अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको आवाज आ रही है? हाँ यस मैम, आ रही है आवाज? बेटे, आप मैसेज कर दीजिए ताकि जो है सब लोग आ जाएं, ताकि हम काम खत्म करें। मैं थोड़ा पहले आ ओके रही मैम, मैं मैसेज कर रहा हूँ। हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा। मैम आप अपना माइक करीब करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, लेट मी चेक। बेटा मेरी सब चीजें ठीक हैं, देखेंगे फाइन। मैम आपकी आवाज बहुत दूर की है। मैम आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। आपका मसला होगा मेरे बच्चे, आपका मसला होगा मैम मेरी, ठीक आ रही है। मैम हाँ मेरी बेटी, आपका प्रॉब्लम होगा। मेरा डिवाइस मैंने कहा नहीं। वाकई में काफी थोड़ी ना लाइट आ रही है, वो सही कह रही है मैम। हम लोग जो लैपटॉप वाले हैं ना, उनको कम आ रही है, मोबाइल वालों को शायद सही आ रही होगी। नहीं, चलो मोबाइल में मोबाइल भी नहीं बंद ठीक कर आ रही। लो। मैं मोबाइल से ही ऑनलाइन हूँ, लेकिन कम आ रही है। डिवाइस कम आ रही है, मेरा भी मोबाइल ही ऑन है। का भी 100% है। और मैम सारा कुछ ठीक है। उसामा तुम्हारा ठीक है, चुप कर जाओ ना, बाकियों का तो नहीं ठीक। बेटा ओके लड़ती मैम, ऐसे करती है बेटा, कम्युनिकेशन ये सबसे लड़ती है मैम ये। स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को ऐसा वर्ड नहीं पकड़ाते जो आपके कैरियर को खराब करे। रेपो ट्रेवल करती है ना बेटा, मैम किसी ये को, हमारी डेट शीट हमें कब मिलेगी? हाँ जी इंशाल्लाह अभी तक मिली नहीं, वाइवा की डेट शीट नहीं मिली। नो मैम एक मैम, मैम एक सर रिजवान बता ने दो वो सेंड किया ठीक जो है कि नहीं। सर्कुलेट हुई है, उसमें मैम चार सर क्लैश आए हुए हैं। अच्छा, जोरो शोर से सारा दिन डेट शीट बन रही थी आज एसएचएस में। मैम उसमें ना पैथो मॉलिक्यूलर ये सब की ना 9 से 13 तक आ रही है डेट, ना काफी सारे वो सब्जेक्ट्स की टेंटेटिव सेम है। डेट शीट है, अभी सही वाली डेट शीट नहीं आई ऑफिशियल। उन्होंने आपको भेज दी है एग्जामिनेशन वालों ने, मिस मुकद्दस मिस मैम मोनी? नहीं, हमें वहां से नहीं आई, हमें किसी और ने, मतलब स्टूडेंट ने किसी भेजी है अभी। फोर दरवाजों से तो सारी इंफॉर्मेशन लेते हो, तो फिर बंद तो ले लो, पता नहीं बंद तो ले लो मैम, ना।
मैम ये फिर हमारे एसएपी के तो उसी डेट पे होंगे ना जिस डेट पे एसएपी की डेट शीट आई थी, बाकी वाइवास की हम डेट शीट का वेट करें ना। हाँ जी, लेकिन एसएपी के साथ भी क्लैश रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है ना। मैम एसएपी का तो सुनने में आया कि डेट दी थी 4 5 6, अब 2 3 4 कर दी है। 2 3 4 ही आ रही है, सब यही कह रहे हैं। हाँ सबकी 2 3 4 है। चलिए देखते हैं, आपके बाहर आपके अल्टरनेट डेज पे वाइवा हो सकते हैं, लेकिन बेटा आपके एक दिन में वाइवा नहीं होंगे इंशाल्लाह। माहिरा भी हमें प्रॉपर ईमेल आएगी ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, लाइक डिपार्टमेंट की तरफ से? वो नहीं बेटा, आएगी डिपार्टमेंट की तरफ से, वही मेल ही तो बन रही है। मैम वैसे जो हमने सुबह लेक्चर पढ़ा था ना, आपने आधा वो मतलब थोड़ा सा एंड से रह गया था, आपने कहा था इस टाइम वो पढ़ाएंगे, थोड़ा सा लेक्चर है। हाँ बिल्कुल, वो इसके एंड में पढ़ाऊंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। आपने अपनी कोर्स आउटलाइन देखी है, HEC की कोर्स आउटलाइन इस सब्जेक्ट की? इतने इसमें चीजें हैं क्योंकि पैथोलॉजी तो खत्म होती नहीं ना बेटा। मैंने आपको जो चीजें पढ़ाई है ना, मैं कह सकती हूँ कि 70% मैंने आपको कोर्स आउटलाइन कवर कराई है। आई वाज नॉट एबल टू कवर यू पीपल 100%, मेरा रीनल रह गया है, लिम्फैटिक सिस्टम रह गया है, क्योंकि मुझे पता है कि 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है, तो उसमें मुझे आपको एक लिमिट में ही रखना चाहिए ना। आई शुड नॉट एक्सपेक्ट 3 4 क्रेडिट आवर का कोर्स मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँ 2 क्रेडिट आवर में, आपने और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो ये चीजें देखते हुए मैंने कोशिश की है, एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ना, इसकी कोर्स आउटलाइन आपको मैंने LMS पे डाली थी, आपने अगर आपकी नजर से गुजरी हो, बहुत से लोगों ने देखी होगी, तो आपने देखा है कि हमने उसमें से काफी चीजें हैं जो नहीं पढ़ी ना। उसकी वजह यही है कि 2 क्रेडिट आवर के कोर्स में इतनी चीजें कवर हो नहीं सकती। तो एनी हाउ आप फिक्र ना करें, मैं इसको आपके लिए इंशाल्लाह बड़ा ईजी कर दूंगी। चले हम इसको शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर, एक ही लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी का, क्योंकि देखिए अब आपको बैक्टीरिया के बारे में सिर्फ मैं थोड़ा सा जो है ना वो इस लेक्चर में कवर कराऊंगी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में तो आपको पता है वायरसेस भी आते हैं और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसको हम नहीं कर सकेंगे एनी हाउ। तो हम बैक्टीरिया में जो है सबसे पहले हम ग्रैम पॉजिटिव कोकाई पढ़ते हैं। ग्रैम पॉजिटिव कोकाई, आपको सबको पता है कि ग्रैम स्टेनिंग of the bacteria is an important diagnostic procedure and step in the differentiation of bacteria. हमें बैक्टीरिया को पहचानने के लिए जो मुख्तलिफ तरीके हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से एक ग्राम स्टेनिंग है, ठीक है। जिस जो बैक्टीरिया जो है वो ग्राम स्टेन पिकअप करते हैं उनको हम ग्राम पॉजिटिव कह देते हैं, और जो नहीं पिकअप करते उनको हम ग्राम नेगेटिव कह देते हैं। तो एक तो ये बात, दूसरी बात की डिपेंडिंग अपॉन द शेप बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू कोकाई यानी के बॉल शेप एंड बेसिलाई यानी के रॉड शेप। तो शेप पे डिपेंड करते हुए हम उसको दो में कर सकते हैं, और ग्राम स्टेनिंग पे भी करते हुए हम डिपेंड करते हुए हम उसको दो में कर सकते हैं। ग्राम स्टेन जो लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं जो ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाते हैं, और जो ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते वो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा जी, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें के सबसे प्रोमिनेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो है स्टेफलोकोकस। जो स्टेफलो का वर्ड है ना, ये लैटिन से आया है बल्कि ग्रीक से आया है, और इसका मतलब है बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, और कॉकस का मतलब है बेरी। तो ये बेरीज का आपको पता है बंच के फॉर्म में होता है, जैसे ग्रेप के बंच होते हैं, बेरीज के बंच होते हैं, तो इसलिए इसकी शेप क्योंकि उससे मिलती है इसलिए इसको स्टेफलोकॉकस उन्होंने कह दिया, ठीक है। इसका डायमीटर 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर तक होता है, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में ये पाया जाता है, सिंगल भी हो सकता है, पेयर्स में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में पाया जाता है। ये नाम जो है इसका ग्रीक से आया है, और इस ग्रुप में यानी ग्राम पॉजिटिव कोकाई में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया वो स्टेफलोकोकस ऑरियस है, जिसके बारे में आप काफी सारे इन्फेक्शन में पढ़ चुके हैं कि स्टेफलोकोकस ऑरियस इज द कॉज, डिफरेंट स्किन इन्फेक्शन और बहुत सारे इंटरनल बॉडी इन्फेक्शन ये करता है। बाकी जो टाइप्स हैं वो क्या है, स्टेफलोकोकस एपिडर्माइटिस एंड स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस, ठीक है, जो कि और एसोरियस से डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन करती हैं। तो जो मेजर सेलियंट प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई में वो ये तीन है, और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एसोरियस रिटन इन रेड। अच्छा, अब इनकी क्लासिफिकेशन हमने करनी है, तो हम किस तरह से इनको क्लासिफाई करें, हम देखते हैं कि कौन से बैक्टीरिया जो है वो ग्राम
जाएगा, बस एक सेकंड बेटा, एक सेकंड इंतजार करें। जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा अब हम इनको क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरियम है जो कोएगुलेज एंजाइम बनाता है और इनमें से कौन सा है जो कोएगुलेज एंजाइम नहीं बनाता। तो हम ये देखते हैं कि स्टेफलोकोकस ऑरियस जो है वो कोएगुलेज पॉजिटिव है, कोएगुलेज एंजाइम बनाता है, और जो एस एपिडर्माइटिस है और एस सेप्टोफिटिकस है वो नहीं बनाते। तो हम कह देते हैं कि एस ऑरियस कोएगुलेज पॉजिटिव है और एस एपिडर्माइटिस और एस सेप्टोफिटिकस जो है वो कोएगुलेज नेगेटिव है। एक और तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पैथोजेनिसिटी। तो एक कॉमन पैथोजेन जो कम्युनिटी में हमारे पाया जाता है वो एस ऑरियस है, और बाकी जो दोनों टाइप्स हमने पढ़ी हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक पैथो। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप वो काम करेंगे और अपॉर्चुनिटी मिले नहीं मिले तो नहीं करेंगे। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जिनको मौका मिले तो वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, और अगर उनको मौका ना दिया जाए तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते। इस बात की समझ आपको अगली स्लाइड में आएगी। अच्छा कल्चर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये तीन तरह के एगर पेन की कॉलोनीज बन सकती हैं, इनको हम इन तीनों एगर्स पे ग्रो कर सकते हैं हर कल्चर। आपको पता है कि ब्लड इज द बेस्ट मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एनी हाउ इन बैक्टीरिया को ग्रैम पॉजिटिव को, काय को, स्टेफ ऑरियस को, स्टेफ एपिडर्माइटिस को, स्टेफ सेप्रोफिटिकस को, हम इन तीन तरह के जो एगर मीडिया हैं, ग्रोथ मीडिया हैं, उन पे हम इनको ग्रोथ इनकी ग्रोथ कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट एगर पे अगर हम इनको इनोकुलेट करें, इनकी ग्रोथ कराएं, तो गोल्डन येलो कॉलोनीज बनेंगी। ठीक है, मेकॉन्की अगर पे इनको ग्रोथ कराएं तो इस तरह इनकी कॉलोनी की शक्ल देख के हम पहचान जाएंगे कि हाँ ये तो ग्रैम पॉजिटिव को काए हैं। ठीक है, तो ऐसी पिंक कलर की कॉलोनी बनेगी, और अगर हम इनको ब्लड अगर पे करें तो बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी बनेगी। बीटा हिमोलिसिस जो है वो कंप्लीट हिमोलिसिस होता है। ठीक है, तो इस तरह की इनकी कॉलोनीज बनेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ जो है इन्फेक्शन स्टेफोरियस जो है वो कॉज करता है। तो यूजुअल साइट्स हमने सेलुलाइटिस पढ़ा, हमने इम्पेटाइगो पढ़ा, हमने बॉयल पढ़े, हमने जो है वो वेरियस स्किन इन्फेक्शन पढ़े, एब्सेस पढ़ा, ये वो, तो ये सब चीज़ें जो है। इसके अलावा नेजोफेरिंग्स, पेरिनियम और डिफरेंट सुपरफिशियल इन्फेक्शन जिसमें पस फॉर्मेशन होती है, एब्सेस वगैरह, वो ये कॉज करता है। यूजुअल साइट इसकी स्किन है, नेजोफेरिंग्स है, पेरिनियम है, जहाँ पे ये आम तौर पे इन्फेक्शन कॉज करता है। फिर इसके बहुत सारे विरुलेंस फैक्टर्स, अब इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि प्रोटीन ए, कैटालेज, कोएगुलेज, हायलोरोनाइडेज, ये क्या चीज़ें हैं, ये वेरियस एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को ये चीज़ें वीक करती हैं और बैक्टीरिया की एंट्री इनटू द सेल को पॉसिबल बनाती हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हायलोरोनाइडेज, तो नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो हायलोरोनिक एसिड को डिग्रेड कर सकता है। हायलोरोनाइडेज एक एंजाइम है जो हायलोरोनिक एसिड को डिग्रेड कर सकता है। अब आपको पता है हायलोरोनिक एसिड हर कनेक्टिव टिश्यू में, पूरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, तो जहाँ जहाँ हायलोरोनिक एसिड पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, वहाँ हायलोरोनाइडेज उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करके तो सेल के अंदर अपनी एक्सेस गेन कर लेता है। सो इट विल कॉज, इट विल हेल्प स्प्रेड ऑफ इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय स्टेफ ऑरियस। ठीक है, लाइपेज अलाउज कॉलोनाइजेशन, बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक जो हम देते हैं उसको, एंटीबायोटिक को तोड़ फोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो फिर बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक होती हैं। ठीक है, फिर हमें ऐसी एंटीबायोटिक देना पड़ती है जिसमें बीटा लैक्टमेज को, एंजाइम को जो है वो डीनेचर करने वाली चीज़ भी हम साथ डालें। जैसे कभी आप ऑगमेंटन जो टेबलेट है उसकी फॉर्मुलेशन पढ़ें तो उसमें आपको क्लेवुलैनिक एसिड मिलता है जो कि बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करने के लिए उसमें डाला जाता है। तो पेनिसिलिन के साथ इन कॉम्बिनेशन इन चीज़ों को बनाया जाता है ताकि ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम को डीनेचर कर सकें।
और एंटीबायोटिक इफेक्टिव हो सके अगेंस्ट अ सर्टन बैक्टीरिया, ठीक है। फिर डीएनएज है जो कि बैक्टीरिया डीएनए को डिग्रेड करता है, टिकोइक एसिड और पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, ये कैप्सूल में और सेल वॉल में ये चीज़ें, पेप्टिडोग्लाइकैन भी सेल वॉल में, सेल वॉल दो ही चीज़ों से बनी होती है मेनली, पेप्टिडोग्लाइकैन और टिकोइक एसिड, ठीक है। फिर ये एक और डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक एंटीजन शो की जा रही है, पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन, ठीक है। तो ये जो है ल्यूकोसाइडीन, ल्यूकोसाइडीन का क्या मतलब है कि ल्यूकोसाइट्स को तबाह करने वाली, उसको डिस्ट्रॉय करने वाली, हीमोलाइसिन आरबीसीज को तबाह करने वाली, एक्सफोलिएटिन जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी डिग्रेडेशन करने वाली, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की जो टॉक्सिन है वो भी अलहदा होती है, एंटेरोटॉक्सिन कौन सी होती है जो जीआईटी को अफेक्ट करती है। तो ये इसकी डिफरेंट टॉक्सिन्स हैं और ये इसके डिफरेंट विरुलेंस फैक्टर्स हैं, इनकी मदद से ये होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स को वीक करता है एंड दीज थिंग्स हेल्प द बैक्टीरिया इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब इसमें समझने वाली कोई इतनी बात नहीं थी। बहरहाल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इनका कहाँ से आएगा, या तो पेशेंट के साथ आप इन कॉन्टेक्ट आए या कैरियर। कैरियर कौन होता है, जो डिजीज के साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा होता लेकिन डिजीज का स्प्रेड कम्युनिटी में कर रहा होता है, साइलेंट स्प्रेड कर रहा होता है, साइलेंट पेशेंट होता है, साइलेंट कैरियर होता है। उसमें साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द, खुद वो डिजीज से अफेक्ट नहीं होता, वो बस कैरियर है, वो बैक्टीरिया को इधर उधर लेके जा रहा है, वो कैरियर है। और अगर आप कहें कि उसको डिजीज है, नहीं उसको डिजीज नहीं है, उसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज नहीं है, बट इट कैन ट्रांसमिट द डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। या फिर हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल लोअर जी आई टी ट्रैक्ट, ठीक है, जेनिटल ट्रैक, यहाँ पे इन चीज़ों की बैक्टीरिया की कॉलोनीज हो सकती हैं, उनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर इम्यूनिटी होस्ट की वीक हो उस सूरत में या स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू फोमाइट, अब तक आपको पता है कि इसका क्या मतलब है, या इनहलेशन ऑफ एयर बोन ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इस सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ये जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। जैसे हमने इम्पेटाइगो में पढ़ा कि ये बड़ा एक कॉन्टेगस जो है वो डिजीज है और एक बच्चे को होती है तो सारे बच्चे को जो घर के होते हैं, इवन अडल्ट्स, वो भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए उसको जल्दी ट्रीट किया जाए लोकल एंटीबायोटिक से वगैरह वगैरह, जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसमिशन उसकी बहुत जल्दी होती है। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन सी प्रेवलेंट या कॉमन डिजीजेज हैं जो स्टेफोरियस कॉज करता है। तो ये फॉलिकुलाइटिस करता है, कार्बंकल एब्सेस करता है, फ्यूरंकल कार्बंकल बॉयल कुछ कह लें, ठीक है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग में सारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे, ठीक है, किसी फूड में जो है स्टेफोरियस पाया जाता है या उसकी टॉक्सिन्स पाई जाती हैं तो फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या है, ये एक स्पेशल तरह का इन्फेक्शन है जो टेम्पून यूज करने वाली जो गर्ल्स होती हैं जो पीरियड्स में टेम्पून यूज करती हैं उनको विद इन 5 days ऑफ पीरियड्स ये होता है, जिसमें कि डिफरेंट इसके सिम्टम्स होते हैं, फीवर और कन्फ्यूजन और लो ब्लड प्रेशर, किसी भी इन्फेक्शन में हो सकता है। अजान हो रही है बेटा, अजान सुन लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कुछ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। तो स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम बच्चों में ये करता है जिसमें स्किन एक्सफोलिएशन होती है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एस ऑरियस। ये आप पहले भी अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस सेमेस्टर आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट क्या है कि ड्रेन द इन्फेक्टेड एरिया। ये तो हम सबको पता है कि अगर कहीं पे पस कलेक्शन है, कोई एब्सेस है, बॉयल है इवन छोटा सा, तो जब तक उसकी पस ड्रेन नहीं होगी पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, इन्फेक्शन ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। और डीप मेटास्टेटिक इन्फेक्शन जो है उनको हमने कैसे ट्रीट करना है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, स्पेशली मेड पेनिसिलिन, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है, तो ऐसी चीज़ें पेनिसिलिन में डालनी है जो बीटा लैक्टमेज को डीनेचर कर सकें और फिर अपना काम कर सकें। सिफेलोस्पोरिन आपको पता है पेनिसिलिन की मॉडिफिकेशन है। एरिथ्रोमाइसिन जो है वो वन ऑफ द मैक्रोलिड एंटीबायोटिक है जिसमें एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ये सब चीज़ें आती हैं। और क्लिंडामाइसिन इज़ अ स्पेशल एंटीबायोटिक, ठीक है जी, ये भी इसी में मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स में ही आती है। फिर अगर ये एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है तो उसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी से ट्रीटमेंट होती है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन प्लस वन ऑफ द अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड आपको पता है जेंटासिन, एमिकासिन और ये जो सारी क्लास होती है ड्रग्स की, कैनामाइसिन और वाइब्रामाइसिन, ये सारी इसमें आती हैं। तो ये फिर एंडोकार्डाइटिस इज अ सीरियस काइंड ऑफ इन्फेक्शन, तो ये फिर कॉम्बिनेशन से ट्रीट होगा, सिंगल एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होगा। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। उसके अलावा एमआरएसए क्या है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफलोकोकस ऑरियस। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफलोकोकस ऑरियस, मेथिसिलिन क्या है, इज अ कॉमन एंटीबायोटिक अराउंड द ग्लोब यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इन्फेक्शन। तो ये स्टेफलोकोकस ऑरियस वो वाला स्टेफलोकोकस ऑरियस है जो मेथिसिलिन को रेजिस्टेंट है, एक बात। दूसरा ये कि ये करता क्या है, एमआरएसए जो है ये ज्यादा ढीट समझ लें कि स्टेफ ऑरियस की एक ज्यादा ढीट फॉर्म है, ज्यादा जो है वो डेंजरस फॉर्म है जो ज्यादा सीरियस तरह के इन्फेक्शन कॉज करती है। इन्फेक्शन स्टार्ट आउट एज स्मॉल रेड बम्प एंड कैन क्विकली टर्न टू पेनफुल एब्सेसिस, और इसको यूजुअल एंटीबायोटिक्स वगैरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो इसको हम किससे ट्रीट कर सकते हैं, वैनकोमाइसिन से। अब वैनकोमाइसिन से तो ट्रीट तो कर सकते हैं लेकिन उसकी भी रेजिस्टेंट स्ट्रेन आना शुरू हो गई हैं। तो ये जो एमआरएसए है ये इतना जो है वो पावरफुल बैक्टीरिया है कि वैनकोमाइसिन से ट्रीट हो जाता था लेकिन अब कुछ स्ट्रेन उसके भी अगेंस्ट आना शुरू हो गई हैं। वीआईएसए का क्या मतलब है कि इंटरमीडिएट सेंसिटिविटी टू वैनकोमाइसिन, और वीआरएसए का क्या मतलब है कि ये जो स्ट्रेन है एस ऑरियस की ये तो वैन ए और वैन बी रेजिस्टेंट जीन्स बना लेती है स्टेफ्रोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया में, ये रेजिस्टेंट जीन्स पाई जाती हैं वैन ए और वैन बी, और ये तो बिल्कुल ही वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ्रोकोकस ऑरियस है। तो ये दो टाइप्स भी जो है वो स्टेफ ऑरियस की पाई जाती हैं जो कि वैनकोमाइसिन को भी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती, अदरवाइज एम आर एस ए इज सेंसिटिव टू वैनकोमाइसिन। उसके अलावा हमने कहा था कि ग्रैम पॉजिटिव कोकाई हम पढ़ रहे हैं, तो स्टेफ ऑरियस हमने पढ़ा है। तो दूसरी जो दो टाइप्स हैं वो थी स्टेफ एपिडर्माइडिस और स्टेफ सेप्रोफिटिकस। इसमें मैंने आपको कहा था कि ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करते हैं, यानी कि अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर, मौका मिले तो फिर ये इन्फेक्शन कर सकते हैं, वरना ये नहीं कर सकते। वो मौका क्या है कि इम्प्लांटेड फॉरन बॉडीज, वो क्या आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व्स, शंट्स ब्रेन में कहीं भी बॉडी में, शंट हार्ट में इंट्रावास्कुलर कैथेटर्स डाले हुए हैं, फॉर एग्जांपल सीवीपी लाइन ली हुई है, प्रोस्थेटिक अप्लायंसेस, आर्टिफिशियल हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये वो। तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर ये बैक्टीरियल कॉलोनीज अपनी बना के यहाँ से बैक्टीरीमिया कॉज कर सकते हैं ब्लड में, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, आर्टिफिशियल वेल्व्स हैं या शंट्स हैं या इंट्रावास्कुलर कैथेटर हैं या प्रोस्थेटिक अप्लायंसेस हैं, उन पे ये कॉलोनाइज कर सकते हैं। तो और इसके अलावा जिन पेशेंट्स में कंजेनिटल एबनॉर्मैलिटीज होती हैं, यूरिनरी ट्रैक की फॉर्मेशन में डेवलपमेंटल एबनॉर्मैलिटीज होती हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान यूरिनरी ट्रैक सही नहीं बना, तो उनमें ये सिस्टाइटिस कर सकती हैं, ठीक है। और ये जो सेप्रोफिटिकस है ये मेल को बहुत कम इन्फेक्ट करता है, मोस्टली ये फीमेल को इन्फेक्ट करता है, और ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से इसकी जो है इन्फेक्शन होता है। और ये एक ऐसा बैक्टीरियम है जो नोवोबायोसिन इज अनदर कॉमन एंटीबायोटिक वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ये नोवोबायोसिन को रेजिस्टेंट है, इसकी खास बात ये है,
ठीक है, तो इन दोनों में हम इस तरह पहचान कर सकते हैं कि ये नोवोबायोसिन सेंसिटिव है और ये नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट है। अब आगे इनका कंप्लीट कंपैरिजन है कि दोनों ही कोएगुलेज नहीं बनाते। कोएगुलेज बनाता कौन था? एसोरियस। हमने शुरू में पढ़ा था कि हमने अगर इस बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट क्लासिफाई करना है ग्राम पॉजिटिव कोकाई को, तो हम कहेंगे कि एसोरियस जो है वो कोएगुलेज बनाता है और वो कोएगुलेज पॉजिटिव है, और जो बाकी दोनों टाइप्स हैं वो कोएगुलेज नेगेटिव है। पैथोजेनिसिटी इनकी दोनों ही अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, इनको मौका मिलेगा तो ये इन्फेक्शन करेंगे वरना नहीं कर सकते। ऐसे एपिडर्माइडस नोवोबायोसिन सेंसिटिव है और दूसरा वाला जो है वो रेजिस्टेंट है। ये जो है किस टाइप के स्किन इन्फेक्शन करता है? एंडोकार्डाइटिस यूटीआई, और ये भी तकरीबन एंडोकार्डाइटिस यूटीआई सिस्टाइटिस एनोफ्थेलमाइटिस का क्या मतलब है कि आई इन्फेक्शन जिसमें पूरी की पूरी आई इन्वॉल्व होती है, और पेरिटोनाइटिस ये इस तरह के इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। आगे जो है वो इतने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। फॉस्फेटेज जो है वो एपिडर्माइडिस बनाता है और सेप्रोफिटिकस नहीं बनाता, जबकि दोनों ही एसिड फ्रॉम मैनिटोल फर्मेंटेशन एनरोबिकली। इसका क्या मतलब है कि अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिले तो ये एसिड फर्मेंटेशन कार्बोहाइड्रेट की कर सकते हैं? नहीं, ये दोनों ही नहीं कर सकते, ठीक है। और इनमें टिकोइक एसिड और प्रोटीन ए बीटा हीमोलाइसिन पिगमेंट, इन दोनों में ही ये चीजें नहीं होती, ठीक है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इसके क्या है कि कोई भी आपने सर्जरी की है और उसमें एसेप्टिक प्रोसीजर आप फॉलो नहीं कर सके, तो दैट विल बी द रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन विद एपिडर्माइटिस। और सेक्सुअल एक्टिविटी इज द रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन विद सेप्रोफिटिकस, ठीक है जी। तो ये इन दोनों का जरा डिटेल्ड कंपैरिजन है। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी ग्राम पॉजिटिव कोकस है, और वो है स्ट्रेप्टोकोकस। पहले हमने क्या पढ़ा था? स्टेफलोकोकस। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसकी क्लासिफिकेशन जरा सी ट्रिकी है, लेकिन इंशाल्लाह आई विल मेक इट इजी फॉर यू। एरोब्स और एनरोब्स, आप सबको पता है कि बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन के बगैर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता तो एरोब्स हैं, और ऑक्सीजन के बगैर भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया की जान बच सकती है, तो वो एनरोब्स है। यानी कि जो अपनी लाइफ के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, अपनी जो है वो इंटेग्रिटी के लिए, लाइफ के लिए, हर काम के लिए ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं वो एरोब्स हैं, और जो ऑक्सीजन के बगैर भी काम चला सकते हैं वो एनरोब्स हैं। फिर एरोब्स को आगे उनको अगर ग्रो किया जाए ब्लड एगर पे तो तीन तरह का हिमोलिसिस होता है, बल्कि दो तरह का हिमोलिसिस होता है, तीसरी तरह का हिमोलिसिस एनरोब्स करते हैं, यानी कि नो हिमोलिसिस, कोई हिमोलिसिस नहीं। अच्छा, ब्लड एगर पे जब हम इनको ग्रो करते हैं एरोब्स को, तो देर इज टू टाइप ऑफ हिमोलिसिस, अल्फा हिमोलिसिस और बीटा हिमोलिसिस। अल्फा हिमोलिसिस ग्रीन कलर का होता है और ये इनकम्प्लीट हिमोलिसिस है, और बीटा हिमोलिसिस इज अ कम्प्लीट हिमोलिसिस ओवर द ब्लड एगर का, ये कम्प्लीट हिमोलिसिस कर देते हैं। अल्फा हिमोलिसिस करने वाले बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, ये ग्रीन कलर का जो है इनकम्प्लीट हिमोलिसिस करते हैं, जबकि पिंक कलर का कंप्लीट हिमोलिसिस करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? इनकी लेंस फील्ड ग्रुपिंग की जाए तो ग्रुप ए से लेके यू तक 21 ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, और इनमें ए बी सी डी ई एफ जी यू तक बनते हैं, ठीक है। तो आगे आप पढ़ेंगे ग्रुप ए, ये सारे के सारे जो है, ग्रुप ए भी हो सकता है, ग्रुप बी भी हो सकता है, सी डी ई एफ जी यानी यू तक इसके ग्रुप्स हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे हैं क्या? बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सारे के सारे क्या हैं? बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो लेंस फील्ड ग्रुपिंग जो है वो किस बेस पे की जाती है? इसकी जो सेल वॉल है उसके अंदर जो एंटीजन है कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई, उसकी बेसिस पे कि वो किस किस्म की एंटीजन है, तो ए से लेके यू तक इसको किया जाता है। उसमें जो है फिर ग्रुप ए की आगे से 100 टाइप्स में क्लासिफिकेशन की जाती है, लेकिन खैर आप ये समझें कि जो है एनरोब्स वो वाले बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, और इनको ब्लड एगर पे जब ग्रो करते हैं तो ये दो तरह का हिमोलिसिस करते हैं, अल्फा हिमोलिसिस जो कि इनकम्प्लीट हिमोलिसिस है और ग्रीन कलर का होता है, और ये बैक्टीरिया जो अल्फा हिमोलिसिस करते हैं ग्रीन कलर का, वो एस विरिडांस और एस निमोनी उसकी एग्जाम्पल्स है। और बीटा हिमोलिसिस कौन से तरह के बैक्टीरिया करते हैं? ये कम्प्लीट हिमोलिसिस है, और ये जो है ग्रुप ए से लेके यू तक इनको क्लासिफाई किया जाता है, और ये बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अच्छा, एनरोब जो होते हैं उनकी एग्जाम्पल पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई है, और वो गैमा हिमोलिसिस करते हैं, यानी कि ना अल्फा ना बीटा, वो कोई हिमोलिसिस नहीं करते, और उसकी एग्जाम्पल एंटेरोकोकस फेकालिस है, जो कि इंतहाई जो है वो पावरफुल बैक्टीरियम है, और बस बहुत कम एंटीबायोटिक से ट्रीट होता है, ठीक है जी।
तो ये जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में थोड़ी क्लासिफिकेशन की डिटेल है। अब हम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस को, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि ग्रुप ए से लेके यू तक हैं ये 21 ग्रुप साइंस के, तो हम ग्रुप ए और ग्रुप बी को पढ़ेंगे और जरा सा टच करेंगे ग्रुप डी को। तो पहले हम ग्रुप ए को पढ़ते हैं कि इसमें जी कैप्सूल होता है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, फिर ये सेल वॉल, ये कैप्सुलेटेड भी है और इसकी सेल वॉल भी है, और सेल वॉल में जो है ना वो एम टी आर प्रोटीन्स हैं जो कि मेजर विरुलेंस फैक्टर है। एम प्रोटीन इज अ मेजर विरुलेंस फैक्टर, वाइल टी एंड आर प्रोटीन का विरुलेंस का क्या मतलब है कि कोई बैक्टीरिया कितना खतरनाक है या कितनी तेजी से इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विरुलेंस उसकी। एक्सक्यूज मी मैम, जी बोले मैम, ये 70 स्लाइड्स ये सारे अभी पढ़ना है ये? जी जी, ये 70 स्लाइड्स है ना इस लेक्चर के, तो ये सारा आज ही पढ़ना है। हाँ हाँ, कोई मसला हो जाएगा इसमें, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, जितना आपको अच्छा लगे आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल स्टॉप, कल पढ़ लेंगे, बाकी हमें कौन सा कोई इमरजेंसी पड़ी है, ठीक है मैम। इसके और कितने लेक्चर्स रहते हैं? हाँ जी, और कितने लेक्चर्स रहते हैं? ये लास्ट लेक्चर, जी जी ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है, ठीक है। जहाँ तक आप लोग बेटा इजी है, आप लोग पढ़े जहाँ तक आपको समझ आती है, ठीक है, जहाँ आपको समझ नहीं आएगी आप फिक्र ना करें, जो है वो मैं कॉपरेट करूंगी आपसे, और बाकी हम कल पढ़ लेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो मंडे को पढ़ लेंगे, ठीक है, ये तो आप पे डिपेंड करता है, मैं तो यही चाहूंगी कि आप खत्म कर लें, मैं बाद ही खत्म कर लें क्योंकि फिर आगे वाइवाज हैं, फिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको। यस मैम, मैम आप इसको पढ़ा दें लेकिन इसको ना सिलेबस से निकाल दें, ये जो मतलब लास्ट वाला लेक्चर, इसमें स्लाइड्स बहुत ज्यादा है मैम और हमारे वाइवास पे है, तो फिर ये नहीं होगा हमारे से। बात सुने ना, वाइवा में तो ऑलरेडी बेटा आपके लेक्चर 1 टू 10 है, मैंने जिंदगी में पहली दफा वाइवा में से लेक्चर निकाले, तो ऑलरेडी 1 मैम, मैं बाकी ओवरऑल बात कर रहा हूं मैम। ओवरऑल का क्या मतलब है? अच्छा, ये लेक्चर ही निकाल दूं? जी जी मैम। बेटा पहले पढ़ तो लो, फिर इसको निकलवा लो। मैं कह रहा हूँ ना, आप पढ़ा दें लेकिन मतलब लेक्चर जो है ना ये बहुत मुश्किल लग रहा है मैम, ये नाम जो है ना हमसे मतलब याद नहीं होगा, इसकी जगह पे हम बाकी 4-5 लेक्चर कर पाएंगे, ये जितना टाइम ये हमें कंज्यूम करेगा। आप ऑफिस आके मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है, ये जूम पे ये बहस नहीं हो सकती बेटा। अगर एक चीज मुश्किल है तो वो हमने निकालनी तो नहीं ना, मुझसे तो तुम कहोगे कि ये जो है वो आप हमें ना पढ़ाएं। देखिए आपका कोर्स का नाम पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है बेटा, तो व्हाई शुड आई डोंट टीच यू माइक्रोबायोलॉजी का, मैं आपको कुछ भी ना पढ़ाऊं, और मैं आपको ये लेक्चर आपको समझ पहली दफा में थोड़ी आना था, आप मेरे पास मंडे को दोबारा आए, मैं आपको दोबारा अलहदा से अकेले को बैठा के पढ़ा दूंगी, जिस जिसको समझ नहीं आ रही वो मंडे को आए मेरे से दोबारा पढ़ ले, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है। मजीद मैं आपको कह रही हूँ, ये तो बेटा बात नहीं है ना कि अगर कोई चीज डिफरेंट है तो वो कोर्स से निकाल दी जाएगी, ये क्या बात हुई, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो चीज भी आपकी जिंदगी में मुश्किल आपको बेटा लगेगी वो आप निकाल देंगे बाहर, कल को आपको फर्ज करें, अब ये मजाक हो जाएगा, एनीथिंग विच यू फाउंड डिफिकल्ट कैन बी आउट ऑफ योर लाइफ, नो, आप इसको बेटा दो दफा पढ़ें या इजी हो जाएगा आपको, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था क्योंकि वाइवास भी हो रहे हैं ना मैम मंडे से, तो मतलब वो सारे लेक्चर भी पढ़ना है, उनको भी पढ़ना है, तो मतलब यहाँ से न्यू लेक्चर्स में पढ़ना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपकी मर्जी है, अगर आप पहली दफा तो वो भी ठीक है। स्टूडेंट ने कहा है कि ये लेक्चर बिल्कुल कोर्स में से निकाल दें क्योंकि ये आपको पसंद नहीं आया, ये बहुत मुश्किल है, दिस इज नॉट, मैंने कहा था, लेकिन चले फिर आप नहीं निकालती तो इट्स ओके। आइएगा ना बेटा, आप इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा, आप मंडे को मेरे पास आइएगा, मैं आपको ये इतने अच्छे तरीके से दोबारा पढ़ा दूंगी कि आप कहेंगे सबसे अच्छा लेक्चर ये है। अभी आप पढ़ें तो सही, अभी तो हम 15वीं स्लाइड पे पहुंचे हैं। जी जी मैं असल में ठीक है, पढ़ा दें मैम, एक दफा पढ़ा तो दें, ठीक है। हां बेटा पढ़ाने तो दें। मैम आपने विरुलेंस का क्या बताया था, दोबारा बता दें विरुलेंस का। मैंने ये बताया था कि विरुलेंस का मतलब होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ बैक्टीरिया की बात हो रही है, उसमें कितनी टेंडेंसी है, वो कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है, उसमें कितनी टेंडेंसी है डिजीज कॉज करने की, इसको बोलते हैं विरुलेंस, कि उसमें डिजीज कॉज करने की, बैक्टीरीमिया करने की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सीवियर करने की कितनी टेंडेंसी है, कितनी एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड विरुलेंस, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी तो बेटा हम क्लासिफिकेशन पे है ना, तो बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उनकी एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीज। अब आप सब रोमेटिक फीवर को याद करें, रोमेटिक फीवर आप सब ने पढ़ा है, वो कहाँ से शुरू होता था, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन करते थे ना फेरिंग्स में, याद आया आप सबको,
हाँ जी याद आया? यस मैम, यस मैम। हाँ जी, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, तो वो ये था ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि फ्रेंजाइटिस करता था और अजीब किस्म की एंटीबॉडीज बन जाती थी जो कि हार्ट और बाकी बॉडी ऑर्गन्स और मसल्स और जॉइंट्स के खिलाफ एक्ट करने लगती थी और पेशेंट को रूमेटिक कार्डाइटिस भी हो जाता था और रूमेटिक फीवर भी हो जाता था। ठीक है, तो उसमें पीछे वजह क्या थी? ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। अच्छा जी, अब ये कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है और इसके कैप्सूल में जो है वो हाइलुरोनिक एसिड होता है, इसके पास सेल वॉल भी है, एम प्रोटीन मेजर विजिलेंस फैक्टर है, मेजर चीज़ है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन कॉज करता है जबकि बाकी प्रोटीन्स का इतना रोल नहीं है। फिर जो है वो हर बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वॉल में स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिसकी वजह से उसको क्लासीफाई किया जाता है। इसके पास ना सिर्फ कैप्सूल सेल वॉल है बल्कि पाइलाए भी हैं, जिसके पास भी पाइलाए होंगे वो मूवमेंट कर सकेगा बैक्टीरिया, वो मोबाइल होगा। ठीक है, और जिसके पास पाइलाए नहीं होंगे वो इमोबाइल होगा। ठीक है जी, तो पाइलाए जो हैं एम प्रोटीन उन्हीं में पाई जाती है और जनाब ये अटैचमेंट का काम करते हैं जैसा कि यहाँ हम पिक्चर में देख रहे हैं कि सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन तो अंदर है ही, सेल वॉल भी है ये ब्लू कलर की और कैप्सूल भी है। सो इट इज़ एन एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को जो है एंटीबायोटिक का अफेक्ट करना और मुश्किल होता है क्योंकि प्रोटेक्टिव कैप्सूल भी होता है इसके पास। फिर ये जो बैक्टीरिया हैं स्पायोजिनीज ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये एक्सोटॉक्सिन्स भी बनाते हैं, इन्वेसिन्स भी बनाते हैं, एडहेसिन्स भी बनाते हैं और ये जो इनके पाइलाए हैं इनके अंदर ही एम प्रोटीन भी पाई जाती है जो कि मेजर इसका विजिलेंस फैक्टर है। और आपको पता है कि सेल वॉल जो है वो लिपोपोलीसेकेराइड्स की और टिकोइक एसिड की बनी हुई होती है। एनी हाउ ये एक जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीज बैक्टीरियम की प्रॉपर शक्ल है और उसकी मजीद डिटेल्स हैं कि उसके कौन कौन से विजिलेंस फैक्टर्स हैं और वो क्या क्या बनाता है एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा बीटा हिमोलिटिक जो है बीटा हिमोलिटिक तो ये सारे ही है ना, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ए से लेके यू तक हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन में के ग्रुप्स हैं। तो सरफेस एंटीजन ये कौन कौन सी बनाता है? एक सरफेस एंटीजन है ये, अब डिफरेंट सरफेस एंटीजन बनाता है जिनके डिफरेंट काम है इन्फेक्शन कॉज करने में, इनकी अपनी अपनी ड्यूटी। ठीक है जी, तो सी कार्बोहाइड्रेट जो है वो इस बैक्टीरियम को लाइसोजाइम से प्रोटेक्ट करता है। अब लाइसोजाइम याद करें क्या था? लाइसोजाइम एक बैग ऑफ वेरी एक्टिव एंजाइम्स था साइटोप्लाज्म के अंदर जो कि अगर बैक्टीरिया को एनगल्फ कर ले, अपने अंदर ले जाए, तो इसके अंदर मोर देन 20 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि बैक्टीरिया को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। तो ये जो सी कार्बोहाइड्रेट है ये लाइसोजाइम के अंदर जाने से रोकता है, लाइसोजाइम से बचाता है बैक्टीरिया को। इसके जो फिम्बरियाँ हैं वो किसी भी सेल के साथ अटैचमेंट एडहेरेंस के काम आते हैं। एम प्रोटीन जो है वो फेगोसाइटोसिस क्या था कि मैक्रोफेजेस जब बैक्टीरिया को खाते हैं अपने अंदर ले जाते हैं एनगल्फ कर लेते हैं तो एम प्रोटीन फेगोसाइटोसिस से बचाती है। हाइलुरोनिक एसिड का जो कैप्सूल है वो कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवोक नहीं करता, यानी बैक्टीरिया जब आता है एंटीबॉडीज बनती हैं, इम्यूनिटी जागती है, उठती है बैक्टीरिया का मुकाबला करने के लिए। तो ये हाइलुरोनिक एसिड जो है क्या कैप्सूल जो है ये कोई इम्यूनिटी को पता भी नहीं चलने देता कि बैक्टीरिया आता है और अपना काम करता चला जाता है। ठीक है, फिर C5A प्रोटीएज है, आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम याद है कि C3A C3B C5A C5B इस तरह की प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बनती हैं। तो ये जो C5A प्रोटीएज है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को न्यूट्रोफिल्स जो कि सबसे पहले लड़ने के लिए आते हैं बैक्टीरिया से, उनको रोकने वाली, उनका मुकाबला करने वाली, उनका काम खराब करने वाली प्रोटीन भी इस बैक्टीरिया के पास मौजूद है जिसको कहते हैं C5A प्रोटीएज। तो ये डिफरेंट इसकी सरफेस एंटीजन हैं जिसके जिससे मुख्तलिफ काम लेके ये बीमारी फैलाता है। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अब हमें एक पेशेंट आ गया जो है वो डिजीज के साथ, तो अब हम लैब में इसको क्या गैस का क्या मतलब है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हैं ये सारे बीटा हेमोलिटिक जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अल्फा हेमोलिटिक वो स्ट्रेप नमूनी है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, इसको गैस भी कहते हैं, यानी ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। इसको अब हमने डायग्नोज कैसे करना है? तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हमें कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन चाहिए, यानी कि स्पेसिमन हम कहाँ से ले सकते हैं? ये फेरेंजाइटस, अगर हमें शक है कि फेरेंजाइटस के साथ पेशेंट आया और हमें लग रहा है कि ये जो है वो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस ने किया है, तो हम एक कॉटन टिप लगी हुई होगी एक प्लास्टिक लॉन्ग ट्यूब के ऊपर, उसके जरिए हम फेरेंजियल स्वैब लेंगे
ठीक है, और उसको फिर उसके ऊपर वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट अप्लाई करेंगे पैथोलॉजी लैब में, और उसका जो है वो माइक्रोस्कोपी के नीचे भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, यानी हम फेरेंजियल स्वैब लेंगे फॉर एग्जाम्पल, उसका फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, उस फेरेंजियल स्वैब के ऊपर जो मटेरियल है उसको स्लाइड पे लगा के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे. फिर उस फेरेंजियल स्वैब को हम कल्चर मीडिया के ऊपर इनोकुलेट करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, एक लुटिनेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ये देखने के लिए कि विच बैक्टीरिया इज देयर, हम बैक्टीरिया को पहचानने और डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रहे हैं. सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है, कि हर बैक्टीरिया एंटीबॉडीज और इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, तो वो एंटीबॉडीज हम ब्लड में चेक कर सकते हैं. हम ब्लड में चेक कर सकते हैं कि ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ एंटीबॉडी इस पेशेंट के सीरम में, इस पेशेंट के ब्लड में पाई जाती है या नहीं, तो इसको कहते हैं सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस. और आखिर में हम करते हैं कल्चर सेंसिटिविटी. आपने बार बार अपने इर्द गिर्द कम्युनिटी में देखा होगा कि जो है वो कल्चर सेंसिटिविटी करा लें, कल्चर सेंसिटिविटी यूरिन की करा लें, ब्लड कल्चर करा लें, कल्चर 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 हो रहा होता है. तो उसका क्या मतलब है कि हमने ग्रोथ मीडिया के ऊपर इनोकुलेट कर दिया बैक्टीरिया को, अब हम इंतजार कर रहे हैं. इसमें 2 से 3 दिन और 1 वीक भी लग सकता है इसका रिजल्ट आने में, क्योंकि ये जरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. बैक्टीरिया वहाँ ग्रो करेगा, उसकी स्पेशल तरह की कॉलोनी बनेगी, जिससे जिसको देख के हम पहचान जाएंगे कि ये किस बैक्टीरिया की कॉलोनी है, और फिर हम उसके ऊपर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स ट्राई करेंगे कि किस एंटीबायोटिक को ये बैक्टीरिया ससेप्टेबल है और किसको रेजिस्टेंट है. फिर उसके मुताबिक हम एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी रिपोर्ट देंगे कि कौन सी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो देने से पेशेंट ठीक हो जाएगा, बैक्टीरिया उसको ससेप्टेबल है, और कौन सी एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है उनको खाने से पेशेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीमारी को, ठीक है. तो ये सारी जो है स्टेप्स ऑफ डायग्नोसिस है. फॉर एग्जाम्पल सीरोलॉजिकल बता दें, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस दोबारा बताऊं? यस मैम. जी मैंने आपको बताया है कि सीरम कहाँ होता है, ब्लड का जो वाटर कंपोनेंट है वो सीरम है. ब्लड का, ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट है ना, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा. जो प्लाज्मा है ना, जो ब्लड का वाटर कंपोनेंट है, उसे सीरम, SERUM सीरम भी कहते हैं, ठीक है. अच्छा, अब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करता है. बॉडी जो है उसके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडीज. क्या बनाती है, एंटीबॉडीज, ठीक है. तो हम जो है वो उन एंटीबॉडी को डिफरेंट टेस्ट के जरिए, एंटी सीरा के जरिए, अब आप ये खुद पढ़ें कि एंटी सीरा क्या होते हैं, उनके जरिए हम उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड में, कि ब्लड में फलाने बैक्टीरियम के खिलाफ एंटीबॉडी है. अगर वो मिल जाती है तो इसका मतलब है सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमें किसी पेशेंट के सीरम में, यानी कि ब्लड में, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ वाली एंटीबॉडी मिल जाती है, तो इसका क्या मतलब है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, पेशेंट इज हैविंग इन्फेक्शन ऑफ ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक हो गया, ठीक है. तो मैंने आपको कहा कि इस तरह आप बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाते हैं. आपने स्पेसिमन लिया, स्पेसिमन इस एगर पे डाल दिया, ठीक है, अगर मीडियम पे ग्रोथ मीडियम है, ठीक है, उसके ऊपर आपने जो बैक्टीरिया है उसको, जो स्पेसिमन लिया था वो इस पर डाल दिया. अब आप उसकी ग्रोथ का वेट करेंगे, 2-3 दिन में कॉलोनी ग्रो हुई, उसकी शक्ल से कॉलोनी स्मूथ है, ट्रांसल्यूसेंट है, ऐसी है वैसी है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक से आपको पता चला, अच्छा जी ये फलाना बैक्टीरियम लग रहा है. तो अब जो है वो आप हम यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि ये कौन सी टाइप है ग्रैम पॉजिटिव कॉकस की, ये कौन सी टाइप है, ठीक है. तो हम इस पे थोड़ी सी हमने बेसिट्रेसिन रख दी. क्या रख दिया, बेसिट्रेसिन, एंटीबायोटिक रख दी. हम देखना चाहते हैं कि ये जो बैक्टीरियम की कॉलोनी बनी है, ये जो बैक्टीरिया है, ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है या बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है. अगर तो ये बेसिट्रेसिन के इफेक्ट के अंदर ये सारे बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, ठीक है. अगर बेसिट्रेसिन टेस्ट हो इज पॉजिटिव, यानी जो एंटीबायोटिक है बेसिट्रेसिन उसको ये बैक्टीरिया सेंसिटिव है, यानी उसके इफेक्ट की वजह से मर रहा है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट है और ये बैक्टीरियम हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा बैक्टीरियम है, एस्पायोजेनस. और अगर बेसिट्रेसिन का कोई असर नहीं होता तो इसका मतलब है कोई दूसरा बैक्टीरियम है, क्योंकि जो एस्पायोजेनस है वो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होना चाहिए. टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ बेसिट्रेसिन ऑन द ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई इज इनहिबिटेड बाई स्मॉल अमाउंट ऑफ बेसिट्रेसिन इन द डिस्क, अदर बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई यूजली आर नॉट.
सो इफ द बेसिक ट्रेसिंग टेस्ट इज पॉजिटिव तो बैक्टीरियम कौन सा होगा? ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई गैस. ठीक है, समझ आई है इस बात की कल्चर सेंसिटिविटी कैसे की जाती है? यस मैम. यस मैम. अब ये देखो, ये एक और टेस्ट है, रैपिड स्ट्रेप टेस्ट. रैपिड स्ट्रेप टेस्ट, थ्रोट स्वैब हमने लिया. ठीक है, हम समझते हैं कि बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस है, पेशेंट सोर थ्रोट और कफ और प्रोडक्टिव कफ या इस तरह से आया, सोर थ्रोट फीवर इस तरह से पेशेंट आया. तो हमें जल्दी डायग्नोसिस बनाना है इस चीज का कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम विच काइंड ऑफ बैक्टीरिया, पेशेंट को किस बैक्टीरियल इन्फेक्शन किया है. ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि मोस्टली तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई गैस करता है ये जो है इन्फेक्शन. तो हम थ्रोट स्वैब लेके उसको वहीं पे रैपिड स्ट्रेप टेस्ट, उसको वहीं पे जो है जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते उसी तरह हम उस मीडियम में ये जो है स्ट्रिप डाल के देख लेते हैं. अगर स्ट्रिप के ऊपर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई का जो है वो पॉजिटिव आता है तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव है. तो इसको कहते हैं रैपिड स्ट्रेप टेस्ट. स्ट्रेप्टोकोकस को हम फौरन डायग्नोज कर लेते हैं, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट में बीटा एचसीजी को फौरन डायग्नोज कर लेते हैं. ठीक है, सम टाइम टर्म्ड एज स्ट्रेप टेस्ट. तो इसमें हम जो है बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस अगर कॉज किया है गैस ने तो हम इसको फौरन डायग्नोज कर लेते हैं, इसको कहा जाता है रैपिड स्ट्रेप टेस्ट. नेक्स्ट जो टेस्ट है जो उसके लिए स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए वो है ASLO टेस्ट. मैम ये जो पीछे हम लोगों ने रैपिड स्ट्रेप टेस्ट किया इसमें सीरम मतलब डालेंगे उसका? हाँ जी बिल्कुल बेटा, सीरम डालेंगे, एंटी सीरा डालेंगे. सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस यहाँ पे एक और आ गया, यू पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट इन सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस. तो सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में एक और मजे की चीज आ गई है, ये जो गैस है ना, ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है, ये एक एंटीबॉडी स्पेशल बनाता है जिसका नाम है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी, ASLO स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी. ठीक है, तो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट के सीरम में. पेशेंट के सीरम में अगर हमें एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी मिल जाए तो इसका मतलब है पेशेंट इज हैविंग ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. समझ आ गई? तो हम पेशेंट का सीरम लेते हैं और उसमें ये एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी चेक करते हैं, अगर वो मिल जाती है तो हम कहते हैं गैस है, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है. ठीक है. अच्छा जी, अब ग्रुप ए की जान हमने छोड़ दी और हम आ गए ग्रुप बी पे. ठीक है, ग्रुप ए का क्या जो है मशहूर मारूफ इन्फेक्शन था? फेरेंजाइटिस, और फेरेंजाइटिस के बाद वो रोमैटिक फीवर भी कर सकता है, उसका मैकेनिज्म आपको पता है. अच्छा, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जो है उसमें बैक्टीरिया कौन सा आता है? एस एगलेक्शिया. ये जो है लोअर जी आई ट्रैक्ट में नॉर्मली रहता है कॉलोनीज बना के. लोअर जी आई ट्रैक्ट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ये भी है फीमेल जेंटल ट्रैक्ट, 20% फीमेल के जेंटल ट्रैक्ट में ये बैक्टीरिया पाया जाता है. तो अगर ये बैक्टीरिया इनहेबिट रह रहा है फीमेल जेंटल ट्रैक्ट में और वहाँ से नॉर्मल वजाइना डिलीवरी होती है तो न्यूनेट जो है उस वो अगर इन्फेक्शन कैच कर लेता है तो दिस ग्रुप GBS ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई कैन कॉज न्यूनेटल सेप्सिस, मेनिनजाइटिस, नमूनिया. 20% न्यूनेट्स की डेथ हो जाएगी और 30-50% परमानेंट ब्रेन डैमेज का शिकार होंगे. ठीक है, तो अगर किसी फीमेल के जेंटल ट्रैक में इसकी कॉलोनीज हैं और उसको मेम्ब्रेन रप्चर बहुत देर तक रहता है, हर पेशेंट के साथ ये नहीं होगा, सम ऑफ द पेशेंट्स के साथ होगा, सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स आर देयर, तो उसमें अगर आप गायनोकोलॉजिस्ट आपकी उसको परसीव करती है तो वो आपको एंटीबायोटिक कवर पर डालते हैं. तो उसका वजह क्या होती है एंटीबायोटिक कवर पर डालने की, खासतौर पर जिन पेशेंट्स को की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है उनको एंटीबायोटिक कवर पर डालने की क्या होती है कि इन सबसे पेशेंट जो है बच्चा जो है उसको बचाया जा सके. पेशेंट को तो कुछ नहीं होगा लेकिन जो हो जो बच्चा है उसके डिफेंस मैकेनिज्म बहुत वीक है. यहाँ पे तो वो आराम से कमेंसेल के तौर पे रह रहा था, कोई मसला नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चे ने अगर इन्फेक्शन कैच कर लिया तो उसमें न्यूनेटल सेप्सिस, मेनिनजाइटिस और निमोनिया हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा. लैब डायग्नोसिस ऑफ GBS, वो पीछे क्या था गैस और ये क्या है GBS ग्रुप बी बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस. तो इसके लैब डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको ग्राम स्टेन करेंगे, ये हो जाएगा क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है. और उसके बाद हम इसके कॉलोनी की शक्ल देख के आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा बैक्टीरियम है. ठीक है, तो इस तरह करके ये जो है वो हीमोटॉक्सिलिन के कलर का स्टेन लेगा, ग्राम स्टेनिंग इसकी हो जाएगी और ये चेन की फॉर्म में
जो है वो हमें नजर आएगा कि चेन 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 पड़ी हुई है, तो इसकी एक तो शक्ल देख के हम समझ जाएंगे, ग्राम स्टेन पॉजिटिव देख के समझ जाएंगे कि ये ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है और ये ग्राम पॉजिटिव कॉलोनाइजिंग बैक्टीरियम है और ये सीरियस डिजीज इन द न्यू बॉर्न करता है जिसका पीछे हमने जिक्र किया है। तो पहले तो हम इसकी शक्ल देख के और चेन्स में इसके अरेंजमेंट देख के और इसका ग्राम स्टेनिंग देख के समझ जाएंगे। दूसरा, जब हम इसको उसको ब्लड एगर पे इसको करवाएंगे ग्रोथ, तो ये बीटा हिमोलिसिस करेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ऐसा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो बीटा हिमोलिटिक है, ठीक है। उसके बाद हमने पिछले गैस की डायग्नोसिस में बेसिट्रेसिन टेस्ट किया था तो हमने कहा था कि वो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, तो वो गैस था। ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बेसिट्रेसिन रखेंगे तो इसको कोई असर नहीं होगा, इट इज बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है बिकॉज इट इज बेसिट्रेसिन सेंसिटिव रेजिस्टेंट। अगर सेंसिटिव होता तो ग्रुप ए होता। कैटालेज एंजाइम का हम टेस्ट करेंगे तो ये कैटालेज नेगेटिव होगा, ये कैटालेज एंजाइम नहीं बनाता। कैम फैक्टर भी एक लैब टेस्ट ही है जिससे हम बैक्टीरिया को पहचानते हैं। कैम फैक्टर पॉजिटिव होता है उसमें एस नमूनी में, आगे हम पढ़ते हैं। तो कैम फैक्टर इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमें सिर्फ ये मिलेगा कि बेसिट्रेसिन ये रेजिस्टेंट होगा और इसकी शक्ल और इसका बीटा हिमोलिटिक होना, इससे हम इसका डायग्नोसिस कर सकेंगे, ठीक है। और कैम्प रिएक्शन ये है, कैम्प रिएक्शन अगर पॉजिटिव होगा तो इस तरह इनहिबिटरी जोन बनेगा, बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगे ना, ये सारा ब्लड एगर के ऊपर बैक्टीरिया की जो है वो कॉलोनी बनी हुई है और जो है इस तरह हम इसके ऊपर जो है वो कैम्प फैक्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर तो कैम्प टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप बी बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, अगर कैम्प टेस्ट नेगेटिव है तो फिर ये कोई और बैक्टीरिया, ठीक है। ये भी कैम्प टेस्ट नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कैम्प टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। बेसिट्रेसिन टेस्ट जब हम इस पर अप्लाई करेंगे, बेसिट्रेसिन इज एक एंटीबायोटिक है, कोई जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं बनेगी, ये बैक्टीरिया बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है, सो ये ग्रुप बी बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है। इसी तरह PYR टेस्ट है, ये एक एंजाइम है, इसको हम टेस्ट करेंगे ग्रुप बी बैक्टीरिया में तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रुप बी बैक्टीरिया में। आइडेंटिफिकेशन स्कीम जो है, जो सारी पीछे हमने 5-6 स्लाइडें पढ़ी हैं कि हम ग्रुप बी को और ग्रुप ए को कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे, तो उसमें हम ये पढ़ें कि बीटा हिमोलिटिक जो कॉलोनीज बनाते हैं बैक्टीरियम, ठीक है जी, जो कम्प्लीट हिमोलिसिस करते हैं, जो कि पिंक कलर का होता है, वो जब बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया का हमें पता चल गया कि ये बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया है, तो हम बेसिट्रेसिन सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। जो बैक्टीरिया बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, बेसिट्रेसिन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, वो ग्रुप ए होगा, और जो बैक्टीरिया जो है वो बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है, उसके ऊपर फर्दर फिर हम कैम्प टेस्ट अप्लाई करेंगे। जो तो कैम्प फैक्टर पॉजिटिव है वो एस एगेलेक्शिया यानी ग्रुप बी बैक्टीरियम है, और जो तो कैम्प टेस्ट नेगेटिव है वो या तो ग्रुप डी है या फिर कोई और है, या तो ग्रुप डी है या फिर कोई और है, बहरहाल वो ग्रुप बी नहीं है, ग्रुप ए नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन स्कीम। इस तरह से हम जब बीटा हिमोलिटिक पिंक कॉलोनी बन जाती है तो आगे से हम इस तरह पहचानते हैं कि ग्रुप ए है या ग्रुप बी है या ग्रुप डी है या कोई और है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में और पैथोलॉजी लैब में ये सारे टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसमें के मशहूर मारूफ बैक्टीरिया एंटेरोकोकाई हैं, जिसकी एग्जांपल्स एंटेरोकोकस फोकैलिस और एंटेरोकोकस फाइसियम है, और दूसरी टाइप है नॉन एंटेरोकोकाई, यानी दो ही तरह के मेजर क्लासेस हैं, एंटेरोकोकाई एंड नॉन एंटेरोकोकाई। ये भी बीटा हिमोलिटिक है और ये ग्रुप डी से ताल्लुक रखने वाले बैक्टीरिया है। एंटेरोकोकस फोकैलिस जो है वो हॉस्पिटल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एंडोकार्डाइटिस करता है, और ये बहुत ही ढीठ बैक्टीरियम होता है, ये आसानी से ट्रीट नहीं होता, बहुत रेजिस्टेंट बैक्टीरियम होता है, बहुत सी एंटीबायोटिक्स को ये रेजिस्टेंस शो करता है, और खास तौर पे ये किन लोगों को अफेक्ट करेगा, किन में यूटीआई करेगा, जिनको फॉलिस कैथेटर ज़्यादा देर के लिए पास, इसीलिए फॉलिस सर्जरी होती है तो जल्दी से जल्दी फॉलिस निकालने की कोशिश की जाती है, ठीक है। गट की सर्जरी हुई है या ब्लैडर की सर्जरी हुई है, इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है, सर्जरी नहीं हुई सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है, तो इन सब सिचुएशंस में ये एंटेरोकोकस फोकैलिस को मौका मिल सकता है कि ये यूटीआई या एंडोकार्डाइटिस कर सके। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस आल्सो कॉजेस एंडोकार्डाइटिस, ये एक अदर टाइप जो है वो ग्रुप बी बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की एक और टाइप का बैक्टीरिया है ये। मैम फोलिक एसिड बता दें। फोलिक एसिड का मैं ये कह रही हूँ,
कि ये देखें, वो कह रहे हैं कि एंटेरोकोकस फोकलिस जो है वो यूटीआई करेगा, एंडोकार्डाइटिस करेगा, लेकिन उन पेशेंट्स में ज्यादा रिस्क है जिनको फॉलिस कैथेटर, देखो बाज दफा सर्जरी में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ब्लैडर इंजरी हो जाती है, फॉर एग्जांपल सीजरियन सेक्शन में ब्लैडर इंजरी हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स में 21 डेज तक भी कैथेटर रिटेन करना पड़ सकता है। तो ऐसा मरीज यूटीआई के लिए और एंटेरोकोकस फोकलिस और डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कितना एट रिस्क है। तो कोशिश ये की जाती है अनकॉम्प्लिकेटेड, जो सर्जरी ठीक ठीक हो जाती है उसमें कोई मसला नहीं होता, उसमें कोशिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी फॉलिस जो है वो आउट किया जाए, क्योंकि ये 2% पेशेंट जिनको फॉलिस पास किया जाता है दे गेट यूटीआई। ये फॉरेन बॉडी है ना विद इन द लिविंग फॉलिस कैथेटर, तो इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। मैम फॉलिस कैथेटर क्या मतलब? अच्छा जी, सॉरी सॉरी बेटा, फॉलिस कैथेटर पेशाब की नाली। अच्छा जी, ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई एंटेरोकोकस यूटीआई एंडोकार्डाइटिस करता है, वेरी हार्ड ऑर्गेनिज्म है, इतना हार्ड है, इतना ढीठ है कि हाइपरटोनिक सेलाइन जिसमें 6.5% सोडियम होती है उसमें भी ये ग्रो करता जाता है, बाइल में भी ग्रो करता जाता है, इतना ये सख्त जान किस्म का बैक्टीरिया है। और पेनिसिलिन से तो ट्रीट होता नहीं, तो अब हम क्या करें, तो इसको पेनिसिलिन प्लस अमाइनोग्लाइकोसाइड यानी के एमिकासिन जेंटासिन यानी कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है, या वैंकोमाइसिन से ट्रीट किया जाता है, लेकिन अब वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स भी आना शुरू हो गई है, ठीक है। जबकि ये तो एंटेरोकोकस की कहानी है, नॉन एंटेरोकोकस जो है ये हैं सारे क्या, ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सारे क्या हैं, ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई। नॉन एंटेरोकोकस जो है कॉज ऑफ यूटीआई एंड एंडोकार्डाइटिस, ये भी यूटीआई और एंडोकार्डाइटिस करता है, लेकिन ये इतना ढीठ नहीं है, ये 6.5% एनएसीएल में ग्रो नहीं कर सकता, इट इज मच लेस हार्ड ऑर्गेनिज्म एंड इट कैन बी ट्रीटेड बाय पेनिसिलिन जी, नॉर्मली अवेलेबल एंटीबायोटिक से ये ट्रीट हो जाता है नॉन एंटेरोकोकस। एंटेरोकोकस इज मच मोर रेजिस्टेंट, नॉन एंटेरोकोकस आर मच लेस रेजिस्टेंट। अच्छा जी, हाँ जी, आगे पढ़ें या फिर कल पढ़ लें बाकी कल पढ़ लेंगे। ये एक ही बच्चा है जो परेशान है, बेटा आप क्यों परेशान है, बाकी सारे लेक्चर्स की समझ आ गई थी? जी मैम वही तो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, वाइवा की स्लाइड तो हो ही गई है ऑलमोस्ट मैम, ऑल द मोस्ट हाफ लेक्चर तो हो ही गया, अब तो बाकी पढ़ा दें। मैं तो बेटा मैम पढ़ा दें ताकि खत्म हो जाएं लेक्चर्स, फिर आगे वाइवास वगैरह असाइनमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चलो ठीक है, कहीं पढ़ा दें मैम, हुई ना, शाबाश वेरी गुड, कहीं प्रॉब्लम हुई मैं कोशिश करती हूँ जरा जल्दी पढ़ा दूँ। अच्छा अब हम देखना चाहते हैं, आप सबको निमोनिया का पता है, आपने निमोनिया पहले पढ़ा भी हुआ है, और हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एच इन्फ्लुएंजा ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया हैं जो सबसे ज्यादा निमोनिया की वजह बनते हैं, ठीक है। तो इन्वेसिव इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, यानी यहाँ पे ये निमोनिया जो है ये लंग्स को इन्फेक्शन कर रहा है ना, तो ये इन्वेसिव इन्फेक्शन हुआ। और नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन जो स्किन के ऊपर ऊपर होते हैं, तो ये दोनों तरह के इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। एक ये जो है नॉर्मल ब्रोंकस और एल्वियोलाई की ये शक्ल होती है, जबकि निमोनिया से अफेक्टेड जो लंग होता है उसके इन दोनों स्ट्रक्चर्स की ये हालत होती है, इन्फ्लेम्ड ब्रोंकस होता है और एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन इन द एल्वियोलाई में फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। तो एस निमोनी क्या क्या कर सकता है, मेनिंजाइटिस, आपको पता है मेनिंजाइटिस कौन सा इन्फेक्शन है, सेप्सिस जनरलाइज्ड पूरी बॉडी का इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, ये ज्यादातर बच्चों में होता है, ठीक है। और ये जो एस निमोनिया है किन किन एंटीबायोटिक से ट्रीट होगा, पेनिसिलिन जी से, एरिथ्रोमाइसिन से, सेफ्ट्राइएक्सोन से। सेफ्ट्राइएक्सोन क्या है, क्लास 3 किस्म की सबसे हाई पोटेंसी की जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं उसकी एक एग्जांपल है सेफ्ट्राइएक्सोन, जो इंजेक्शन ऑक्सीडिल के नाम से आता है, ठीक है। ज्यादातर और भी बहुत सारे ब्रांड नेम्स आर अवेलेबल। तो हमारे पास खुशकिस्मती से एस निमोनिया के खिलाफ वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो बच्चों को भी लगानी चाहिए, जो बूढ़ों को भी लगानी चाहिए, ताकि उन्हें एस निमोनिया की वजह से निमोनिया ना हो, ठीक है। 1-2 साल के बाद ये फिर दोबारा लगवानी पड़ती है, तो खास तौर पे सर्दियों में लगवाते हैं, क्योंकि सर्दियों में निमोनिया के केसेस ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं कोल्ड की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास खुशकिस्मती से वैक्सीन अवेलेबल है, और ये ऐसी वैक्सीन है कि 23 तरह की जो स्ट्रेन हैं एस निमोनिया की उनके खिलाफ ये इफेक्टिव है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग जिनके पल्मोनरी डिफेंस मैकेनिज्म्स वीक हैं, बच्चे जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है, बूढ़े लोग जिनको इन्फेक्शन बार बार होता है, दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस।
अच्छा अगर कोई निमोनिया के पेशेंट का हमने स्पूटम लिया है, अब उसके ऊपर हम कैसे साबित करेंगे कि एस निमोनी ने निमोनिया किया है या किसी और बैक्टीरिया ने किया है? मोस्ट कॉमन कॉजेज एस निमोनिया एंड एच इन्फ्लुएंजा। तो सबसे पहले तो हम ग्राम स्टेन करेंगे और ये ग्राम स्टेनिंग को पिकअप कर लेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है। उसके बाद हम इसकी माइक्रोस्कोपी पे हम देखेंगे कि ये डिप्लोकॉकस की शक्ल में रहता है, चेन की शक्ल में भी रह सकता है। जी बेटा अली हसन कुछ पूछ रहे हैं? ओके तो ये जो है वो चेन की फॉर्म में भी रहता है, सिंगल की फॉर्म में भी रहता है, लेकिन मोस्टली ये दो मिलके पेयर की फॉर्म में डिप्लोकोकाई। कोकाई का क्या मतलब है? बॉल शेप्ड बैक्टीरियम, और डिप्लो का क्या मतलब है? टू। ठीक है, ये शॉर्ट चेन्स की फॉर्म में भी रह सकता है, सिंगल भी रह सकता है, लेकिन मोस्टली ये डिप्लोकोकाई यूजुअली डिप्लोकोकस की शेप में रहता है, यानी कि एक सेल के अंदर दो बैक्टीरिया इकट्ठे पाए जाते हैं। ठीक है, और जो है वो इसको हम जब ब्लड एगर पे ग्रो करते हैं तो ये अल्फा हिमोलिसिस करता है। अल्फा हिमोलिसिस, अब आपको याद आया कुछ कि हमने अल्फा हिमोलिसिस पीछे कहाँ पढ़ा है? ठीक है, ये देखें, हमने बीटा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिटिक को पढ़ा, ए को, बी को, डी को, ये था अल्फा हिमोलिसिस, अब हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी शुरू की स्ट्रेप्टोकोकस की, स्ट्रेप्टोकोकाई की क्लासिफिकेशन। तो अल्फा हिमोलिसिस करता है विच इज इनकम्प्लीट हिमोलिसिस एंड विच इज ग्रीन इन कलर। तो इसकी एग्जाम्पल क्या आती है? एस विरिडांस और एस नमूनी। तो एस नमूनी हम पढ़े हैं और इसमें हम पढ़े हैं कि ये अल्फा हिमोलिसिस करता है, जो कि ग्रीन कलर का हिमोलिसिस है, जो कि इनकम्प्लीट हिमोलिसिस है, और ये नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म, इसके कोई पाइलाए नहीं होते, ये सिसाइल ऑर्गेनिज्म है, यानी ये मोटाइल नहीं है, ये हरकत नहीं कर सकता ऑन इट्स ऑन। ठीक है, अच्छा जी, अब जब हमें पता चल जाता है उसकी जो है ग्राम स्टेनिंग देख के, शक्ल देख के, तो हम मजीद कन्फर्म करना चाहते हैं कि ये एस नमूनी ही है, न्यूमोकॉकस ही है और कोई बैक्टीरिया नहीं है, तो हम कहते हैं ऑप्टोचीन टेस्ट। ये ऑप्टोचीन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, तो हम इसके ऊपर ऑप्टोचीन रख देते हैं। तो अगर तो ये ऑप्टोचीन सेंसिटिव है तो ये एस नमूनी ही है, हम कहते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं कि ऑप्टोचीन पॉजिटिव है तो ये एस नमूनी है। अच्छा, अगर ये ऑप्टोचीन रेजिस्टेंट है, ये शक्ल आ जाती है, अब हम क्या करें? हम बायल सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं। अगर बायल सॉल्युबल है तो एस नमूनी ही है, और अगर बायल इनसॉल्युबल है तो कोई और टाइप का बैक्टीरिया है अदर देन एस नमूनी। एक हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है लेकिन एस नमूनी नहीं है, कोई और है। ठीक है, ऑप्टोचीन टेस्ट करेंगे, या तो ये पिक्चर आएगी तो एस नमूनी है, और ये पिक्चर आएगी तो हम बायल सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे। बायल सॉल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव है तो एस नमूनी है, नहीं है तो कोई और है। ठीक है, लैब डायग्नोसिस ऑफ निमोकॉकस। इसके अलावा हम कलंग टेस्ट कर सकते हैं, किलंग टेस्ट कर लें, कलंग टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया पड़े हुए हैं उसके ऊपर हम एंटी सीरा डालते हैं, ऐसा सीरम जिसमें एंटीबॉडीज हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, तो बैक्टीरिया के जो कैप्सूल है वो स्वेल हो जाएगा। अगर तो स्वेल हो गया तो फिर ये एंटी सीरा तो हमने स्पेसिफिक डाला था अगेंस्ट द न्यूमोकॉकस डाला था, तो अगर उसको रिएक्ट किया है तो फिर एस नमूनी ही है, नहीं रिएक्ट किया यही शक्ल रही है तो फिर एस नमूनी नहीं है, कुछ और है, तो ये टेस्ट भी हम कर सकते हैं। अच्छा, शेप को देखते हुए एस पायोजेनीज जो है वो इस शेप्स में ज्यादातर रहता है, एस नमूनी जो है वो इस तरह डिप्लोकोकाई की शेप में रहता है, एस ऑरियस जो है वो इस तरह बंच ऑफ ग्रेप्स की शेप में रहता है। ठीक है, अब इसमें स्लाइड में लिखा हुआ है कि डिफरेंट बैक्टीरिया कौन कौन से इन्फेक्शन करते हैं, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, हर बैक्टीरिया बहुत तरह के इन्फेक्शन कॉज करता है, इसीलिए तो हम उसके डायग्नोसिस पे कि कौन सा बैक्टीरिया है, किस एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है, उस पे हम एम्फेसिस देते हैं, क्योंकि हर तरह का बैक्टीरिया जो है, जो भी हमने सारे पढ़े हैं, वो काफ़ी सारे तरह के इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादातर कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है, लेकिन आप ये जहन में रखें कि देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन कॉज बाय अ सिंगल बैक्टीरिया। आगे हम पढ़ते हैं ग्रैम, अभी तक हमने पढ़े हैं ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अभी तक हमने पढ़े हैं ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हमने ग्रैम पॉजिटिव कोकाई पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे ग्रैम नेगेटिव कोकाई। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रैम स्टेन नहीं लेते और वो कोकाई हैं, यानी बॉल शेप्ड है, लेकिन ग्रैम स्टेन नहीं होते, ग्रैम स्टेनिंग अगर हम की करें तो वो वाइट ही रहते हैं, ब्लैक ही रहते हैं, वो ग्रैम स्टेनिंग, ग्रैम स्टेन को उनकी सेल वॉल में ऐसा कंपोनेंट नहीं है कि ग्रैम स्टेन हो सके। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट जो है वो नाइसीरिया है बैक्टीरिया, जो कि इस शक्ल का होता है। इसमें आगे से फिर इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें कि इंसानों में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स नाइसीरिया मेनिनजाइटिस, जो कि मेनिनजाइटिस और कुछ और इन्फेक्शन करता है, और नाइसीरिया गोनोरिया, जो कि PID और गोनोरिया एज अ जनरल इन्फेक्शन, और न्यूनेटल जो है छोटे बच्चों की आँखों का जो इन्फेक्शन होता है, न्यूनेटल ऑफ्थेल्माइटिस करता है। ठीक है जी,
तो बहुत सारी टाइप्स है नाइसीरिया की, लेकिन इंसानों में जो स्पीशीज पाई जाती हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है, नाइसीरिया मेनिनजाइटिस और नाइसीरिया गोनोरिया। तो ये बहुत तरह के इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ये ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ये कोकाई हैं, ये डिप्लोकोकाई के फॉर्म में रहते हैं, ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं, और ज़्यादा ये जो है कैटालेज नहीं बनाते, ऑक्सीडेज एंजाइम बनाते हैं, कैटालेज एंजाइम नहीं बनाते, ये नॉन मोटाइल है, इनके पाइलाई नहीं होते, और ये कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन करते हैं। दीज आर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइसीरिया बैक्टीरिया। फिर आगे हमने इसकी जो दो सब टाइप्स पढ़ी हैं, दो मेजर टाइप्स पढ़ी हैं, नाइसीरिया गोनोरिया और नाइसीरिया मेनिनजाइटिस। तो नाइसीरिया गोनोरिया को जब हम लैब उसमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो हमने कहा कि ये डिप्लोकॉकस की शक्ल में रहते हैं, डिप्लोकॉकस की शक्ल में रहते हैं। तो ये जो नाइसीरिया गोनोरिया है ये किडनी बीन शेप्ड, जैसे दो किडनीज को आप आपस में मिला के रख दें, उनकी जो कॉनकेव सरफेस है दोनों की एक दूसरे की तरफ करके रख दें, तो एडजेसेंट साइड्स आर कॉनकेव किडनी शेप, जबकि जो नाइसीरिया मेनिनजाइटिस है उसकी एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो फ्लैट होती हैं। तो इनके ये मॉर्फोलॉजी में एक छोटा सा डिफरेंस है। अच्छा, अब हम देखते हैं नाइसीरिया गोनोरिया जो है उसकी ट्रांसमिशन सेक्चुअली होती है, और ये कौन कौन से बीमारियाँ करता है, ये गोनोरिया करता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस और PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की एक बहुत बड़ी वजह गोनोरिया है, नाइसीरिया गोनोरिया, और न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस ये, ठीक है, अगर मदर से इन्फेक्शन आया है या जहाँ से भी आया है तो ये, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इसकी वजह से। और नाइसीरिया मेनिनजाइटिस जो है उसकी ट्रांसमिशन एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से, वहाँ से नेजल म्यूकोजा, वहाँ से ब्लड और वहाँ से मेनिंजीज। तो मेनिनजाइटिस नमूनिया और मेनिंगोकॉक्सीमिया क्या है कि जनरलाइज इन्फेक्शन, ऐसा रैश बनता है उसमें, ये मेनिंगोकॉक्सीमिया का रैश है, ठीक है जी। तो इस तरह के इन्फेक्शन जो हैं वो नाइसीरिया गोनोरिया, नाइसीरिया मेनिनजाइटिस से होते हैं। बाकी वो कहता है कि इस दोनों के पास पाइलाए भी हैं, दोनों के पास कैप्सूल भी हैं, लेकिन और डिफरेंट विरलेंस फैक्टर्स हैं, ये आप नाम आपको थोड़े पढ़ने ही पड़ेंगे। तो लेकिन वो कहता है कि ये मुख्तलिफ चीज़ों को विरलेंस फैक्टर के तौर पर, ये ज़्यादा पाइलाए के जरिए हमला करता है होस्ट पे, और ये मोहतरम जो है नाइसीरिया मेनिनजाइटिस ये ज़्यादा कैप्सूल के जरिए हमला करते हैं, इनका कैप्सूल ज़्यादा विरुलेंट है, इनके पाइलाए ज़्यादा विरुलेंट है। बाकी विरुलेंस फैक्टर्स इनमें तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन ये जो है वो पाइलाए को ज़्यादा इस्तेमाल करता है और ये जो है वो कैप्सूल को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ये कह रहा है। अच्छा, अब इनका ये इसी तरह इनका जो है वो डिटेल्ड कंपेरिजन है कि दोनों ग्रैम नेगेटिव हैं, ये किडनी बीन शेप्ड और ये जो है वो कॉफ़ी बीन शेप्ड डिप्लोकॉकस है। कल्चर इनका जो है वो नाइसीरिया गोनोरिया का जो है वो MTM मीडियम, मॉडिफाइड थायर मार्टन मीडियम के ऊपर किया जाता है। तो इसकी स्मॉल कॉलोनीज बनती हैं जिनका ग्रे कलर होता है, जो ट्रांसल्यूसेंट चमकदार और स्मूथ, रफ नहीं बनती, स्मूथ कॉलोनीज बनती हैं, ठीक है। और इसको हम किस कल्चर मीडियम पे करते हैं, चॉकलेट एडल पे, इसकी भी स्मॉल और ग्रे कलर की और स्मूथ कॉलोनीज बनती हैं, ठीक है। दोनों ही ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं, दोनों ही DNAs नेगेटिव हैं, और कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन को अगर हम देखें तो नाइसीरिया गोनोरिया जो है वो माल्टोज को फर्मेंट नहीं करता, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स को करता है, जबकि नाइसीरिया मेनिनजाइटिस जो है वो माल्टोज को भी करता है, बाकी ग्लूकोज को और माल्टोज को करता है, ये बाकियों को करता है, माल्टोज को नहीं करता, जबकि ये माल्टोज को भी करता है। तो ये ज़रा आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ट्रीटमेंट, इस ये कौन सी एंटीबायोटिक्स को सेंसिटिव है, सेफ्ट्राइएक्सोन। सेफ्ट्राइएक्सोन क्या है, एडवांस्ड स्वेलोस्पोरिन है, थर्ड जनरेशन स्वेलोस्पोरिन कह सकते हैं आप, थर्ड जनरेशन स्वेलोस्पोरिन में एक फेमस किस्म की जो ड्रग है वो सेफ्ट्राइएक्सोन एंटीबायोटिक। एजिथ्रोमाइसिन इज अ मैक्रोलिड एंटीबायोटिक। सेफिक्सिन इज अ स्वेलोस्पोरिन, ये भी थर्ड जनरेशन स्वेलोस्पोरिन है। डॉक्सीसाइक्लिन इज एन अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो ये इस सेट ऑफ एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है। मैं इसको ऐसे याद किया करती थी DCA, ये DCA को सेंसिटिव है, ठीक है, DCA, मैं इसको ऐसे याद करती थी, ठीक है। अच्छा जी, नाइसीरिया मेनिनजाइटिस जो है वो आराम से पेनिसिलिन जी को, एम्पिसिलिन एक, ये भी पेनिसिलिन ही है, सेफ्ट्राइक्सोन थर्ड जनरेशन स्वेलोस्पोरिन है, क्लोरमफेनिकॉल आज के ज़माने में नहीं देनी चाहिए, वेरियस अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल, क्यों नहीं देनी चाहिए, ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन करती है, आप सब ने फार्माकोलॉजी में पढ़ा है ना कि क्लोरमफेनिकॉल नहीं देनी, वैसे लोग देते हैं लेकिन मैं तो ना कभी किसी को दूँ, जो मैंने इसकी इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन क्या होता है कि दवाई के कतरे से भी मरीज की जान जा सकती है, ठीक है।
idiosyncratic reaction. ये नहीं depend करता कि dose ज्यादा थी, ये नहीं depend करता कि patient में फलाना मसला था इस वजह से हो गया, बस आपने ड्रग दी नहीं और मरीज गया नहीं, idiosyncratic reaction ड्रग्स का होता है. तो क्लोरामफेनिकोल जो है वो idiosyncratic reaction. ये तो बैन हो जानी चाहिए फिर. हाँ बिल्कुल हो जानी चाहिए बेटा, लेकिन बात ये है कि बस मेडिसिन का आपको पता है ना. अच्छा जी, फार्मा इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री, अल्लाह माफ करे. अच्छा जी, प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन इनके खिलाफ अवेलेबल है, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, री इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए भी और री इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कि डिजीज़ जो है वो बार बार एक ही इन्फेक्शन से पेशेंट जो है वो डिजीज़ होती है. तो इसका मतलब है कि पेशेंट में कोई इम्यून डिफिशेंसी है तो उसको वैक्सीनेट किया जाए ताकि वो री इन्फेक्शन ना हो. प्रिवेंशन हम इस तरीके से कर सकते हैं. ग्रैम पॉजिटिव कोकाए हमने पढ़े, सॉरी हमने अब ग्रैम नेगेटिव कोकाए पढ़े हैं, ग्रैम नेगेटिव कोकाए पढ़े हैं, अब हम ग्रैम पॉजिटिव रॉड पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ग्रैम पॉजिटिव रॉड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बैसिलस. फूड पॉइजनिंग करता है ये सिंपल, और स्पोर फॉर्मिंग होता है, ये इसकी दो खास बातें. फूड पॉइजनिंग करता है, स्पोर बनाता है, लॉन्ग चेन इस तरह इसकी शक्ल होती है माइक्रोस्कोप के नीचे. ग्रैम पॉजिटिव है, ग्रैम स्टेनिंग अपटेक करेगा और माइक्रोस्कोप के नीचे हमें इस शक्ल की अगर बैक्टीरिया नजर आए तो वो जो है वो ग्रैम पॉजिटिव बैसिलस है. आगे फिर इसकी टाइप्स हैं बैसिलस एंथ्रेसिस और बैसिलस सीरियस. बैसिलस एंथ्रेसिस जो है ये हर्बीवोर्स यानी के जैसे कैटल वगैरह उनके गट में पाया जाता है, और इसकी खास बात ये है कि जैसे ही इसको कोई खतरा महसूस होता है तो ये स्पोर बना लेता है, सालों स्पोर की फॉर्म में जिंदा रहता है. कोई इसे पानी की जरूरत नहीं, कोई न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं, धूप को रेजिस्टेंट, हीट को रेजिस्टेंट, पता नहीं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको ऑटोक्लेव से ही फिर ये मरेगा, ये ऐसे नहीं मरेगा. स्पोर की ये खासियत होती है कि वो बड़ा ही एक रेजिस्टेंट होल अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया बड़ी हिफाजत से पड़ा होता है, सालों वैसे पड़ा रहता है. ठीक है, तो टेटनस का बैक्टीरिया भी स्पोर फॉर्मिंग है. ठीक है, इसलिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन, प्रॉपर स्टरलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि एक भी बैक्टीरिया ऊपर ना रहे. अच्छा जी, तो टॉक्सिन्स ये है एंडोस्पोर्स, इसके क्यूटेनियस टॉक्सिन इनहेलेशन, इनहेल कर लें तो बीमारी, इंजेस्ट कर लें तो बीमारी, डायरिया, वॉमिटिंग, एंटीबायोटिक देने से भी फर्क नहीं पड़ेगा. मेटाबॉलिज्म जो है वो इसका एरोबिक मेटाबॉलिज्म है और फर्मेंटेशन ऑफ एसिड ये करता है. तो ये सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है. और इसके वेरियस विरलेंस फैक्टर्स होते हैं, ये आपको याद करने होंगे थोड़े से. और इसकी जो टॉक्सिन्स होती हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, लीथल फैक्टर्स हैं, एडिमा फैक्टर्स हैं, प्रोटेक्टिव एंटीजन्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं और मरीज में बीमारी पैदा करती हैं. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कि जो है ये ज़्यादातर केसेस में ये डायरिया करता है और बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स जो है और फ्लोरोक्विनोलोन. क्यों पेशेंट जब डायरिया के साथ प्रेजेंट करता है, तो डॉक्टर उसे फौरन नोविडेट देता है. नोविडेट में कौन सी ड्रग है, सिप्रोफ्लोक्सासीन. नोविडेट में या सिप्रोक्सिन में कौन सी ड्रग है, कौन सी एंटीबायोटिक है, सिप्रोफ्लोक्सासीन जो कि एक फ्लोरोक्विनोलोन है. तो सिप्रोफ्लोक्सासीन यानी कि जो नोविडेट है, सामी की जो सिप्रोफ्लोक्सासीन है या जो सिप्रोक्सिन टेबलेट है, उसमें ऐसी एंटीबायोटिक पाई जाती है जो इसके खिलाफ भी इफेक्टिव है. ठीक है जी, इसलिए फौरन से डॉक्टर नोविडेट देता है कि उसमें फ्लोरोक्विनोलोन है जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया कॉजिंग डायरिया के खिलाफ इफेक्टिव है, प्लस फ्लैजल यानी कि मेट्रोनिडाजोल. आइडियल ट्रीटमेंट फॉर सीरियस, ये नहीं कि एक ज़रा से उसमें ही ले लिया, सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग या सीरियस किस्म का जो डायरिया है उसमें ये दिया जाता है. अच्छा, बैसिलस सीरियस जो है ये भी डायरिया और फूड पॉइजनिंग करता है. कंटेमिनेटेड फूड आपने खा लिया या इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड आपने खा लिया, स्पोर पूरी तरह तबाह ना हो सके. ठीक है, इमेटिक टाइप जिसमें उल्टियाँ आएंगी और डायरियल टाइप जिसमें डायरिया होगा. एरोबिक मेटाबॉलिज्म है, बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया है, कोई इसका कैप्सूल नहीं होता, कोई ये मोटाइल नहीं है, और ये जनाब फूड पॉइजनिंग करता है और ये जनाब डायरिया वॉमिटिंग करता है. ठीक है, एंटेरोटॉक्सिन्स का क्या मतलब है कि जो इंटेस्टीन को जाके टॉक्सिन्स हिट करती हैं, दो तरह की होती हैं, हीट लेबाइल, हीट सेंसिटिव, और ये फूड पॉइजनिंग करती हैं जिसके सिम्टम्स हैं नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया,
और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट तो देंगे लेकिन नो ट्रीटमेंट फॉर फूड पॉइजनिंग बिकॉज एंटीबायोटिक थेरेपी विल नॉट ऑल्टर द कोर्स ऑफ पेशेंट सिम्टम्स. बैसिलस सीरियस ने जो करना है वो करके दम लेगा, एंटीबायोटिक देने का फायदा नहीं है. तो फिर क्या करें? ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पहले तो ये कि इन्फेक्टेड मटीरियल सारा निकलने दें. जब निकल गया तो फिर उसकी वॉमिटिंग रोकें, उसका डायरिया रोकें, उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखें, उसको जो है यूरिन आउटपुट आया है कि नहीं आया ये देखें. क्योंकि रीनल फेलियर, किडनी फेलियर होगा डायरिया में. अब आप ये खुद देखें कि डायरिया में किडनी फेलियर कैसे होता है. क्यों गैस्ट्रो का पेशेंट, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का पेशेंट जब इमरजेंसी में जाता है तो डॉक्टर उसको सबसे पहले सवाल करता है, आपने लास्ट टाइम यूरिन कब किया था? इस सवाल का जवाब आप बेटा खुद ही तलाश करें. क्लोस्ट्रीडिया, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ये भी ग्रैम पॉजिटिव रॉड्स हैं, ये भी स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ये एनरोब हैं, पिछले एरोब थे, ये एनरोब हैं. ऑक्सीजन के बगैर भी इनका मेटाबॉलिज्म और इनकी लाइफ चलती रहती है. चार टाइप्स के क्लोस्ट्रीडिया मशहूर हैं, क्लोस्ट्रीडियम बॉटलिनम, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल. क्लोस्ट्रीडियम बॉटलिनम जो है ये बिल्कुल मसल पैरालिसिस कर देता है. क्यों बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि इसको शहद ना दें, ना दें, ना दें, लेकिन आप कहते हैं कि दे के छोड़ेंगे. अगर तो सुन्नत है, सुन्नत में शहद देना तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर चबा के उसका अपना लुआबे दहन खुद उसको चबा के और बच्चे को उसकी घुटी दी, तो सुन्नत तो बिल्कुल सही बात है. और शहद के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, अगर तो सुन्नत है तो फिर ये जो नॉलेज है ये गलत है. बहरहाल उसमें बॉटुलिनम टॉक्सिन हो सकती है तो इसलिए शहद देने से पीडियाट्रिशियन मना करते हैं. ठीक है, अच्छा, बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है वो कहीं से भी बॉडी के अंदर जा सकती है वूंड इन्फेक्शन के जरिए, तो इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है. क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम ये क्या करेगा? ये करेगा हर तरह के मसल्स जो हैं बॉडी के उनका पैरालिसिस कर देगा, पोटेंशली फैटल इलनेस. ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम जो है वो उसकी टॉक्सिन की वजह से ये डिजीज होती है. इट कॉजेज इनिशियल सिम्टम क्या होते हैं? वीकनेस, मसल मूवमेंट ही नहीं कर सकता पेशेंट, ब्लरिड विजन, फीलिंग टायर्ड, बोल भी नहीं सकता. बोलना भी तो मसल्स की एफर्ट से है ना. और उसके बाद वीकनेस ऑफ आर्म्स, चेस्ट मसल, सांस लेना है, और लेग्स. ठीक है, फाइंडिंग द बैक्टीरिया, पेशेंट के स्टूल में मिल जाएगा बैक्टीरिया. ठीक है, और प्रिवेंशन कैसे करते हैं? प्रॉपर फूड प्रेपरेशन, फूड को अच्छी तरह पकाएं ताकि स्पोर मर जाएं. नो हनी फॉर चिल्ड्रन यंगर देन वन ईयर, उसमें ये हो सकता है बॉटुलिनम टॉक्सिन हो सकती है. मैम ये सिर्फ बच्चों में ही होता है कि बड़ों में भी हो सकता है? ये बड़ा ही है बेटा, है बच्चा है? नहीं, लेकिन इसमें लिखा है ना कि नो हनी यंगर देन वन ईयर, तो मतलब बड़ों में नहीं होगा ना? बच्चे को तो वो बहुत ही निथल होगा ना, इतने छोटे बच्चे को तो बहुत निथल होगा. बड़ा तो चलो फिर उसका कोई उसको एंटीबायोटिक थेरेपी कोई ट्रीटमेंट, लेकिन इतने छोटा बच्चा तो उसके लिए बहुत निथल होगा ना, फेटल होगा, इसलिए कह रहे हैं. क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस इज अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरियम, ये भी ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव रॉड है, और ये एनएरोबिक है, और ये स्पोर फॉर्मिंग है, जो कि सारे क्लोस्ट्रीडिया की करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं. और इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन नेचर, हमेशा साल हर साल जो है ये अर्थ में पड़ा रहता है, सॉइल में पड़ा रहता है, और उसके साथ साथ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स में पड़ा रहता है, सॉइल में पड़ा रहता है साल हर साल. स्पोर फॉर्मिंग है, यानी कि बहुत रेजिस्टेंट है टू डेथ एंड टू एंटीबायोटिक्स. और ये ग्लाइड कर सकता है अपने फिलामेंट्स के जरिए, और ये फूड पॉइजनिंग करता है क्लोस्ट्रीडियम जो है परफ्रिंजेंस, और ये गैस गैंग्रीन करता है. गैस गैंग्रीन, आगे हम उसकी शक्ल देखेंगे गैस गैंग्रीन किस तरह की नजर आती है. और ये जो है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो है वो सीवियर इन्फेक्शन और नेक्रोसिस कर सकता है. ठीक है, इसको हम नेगलर्स रिएक्शन से डायग्नोज करते हैं, और स्टूल कल्चर में इसको हम देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट है. प्रॉपर कुकिंग से इसको हम प्रिवेंट करते हैं, और जो खाना बच जाए घर में उसको अच्छे लो टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेट करें, अदरवाइज इट विल मल्टीप्लाई द फूड एंड वी कैन गेट इट. ये है जनाब क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस का कमाल, गैस गैंग्रीन. अगर इसको यहाँ पे ट्रीट ना किया, कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही इस पोर्शन को, दिस इज डेड विद इन अ लिविंग, इसको फौरन यहाँ से एम्प्यूटेट करें, वरना ये सारे पार्ट को इन्वॉल्व करेगी.
ठीक है, एम्पुटेशन करें, जो इसकी सिचुएशन है एम्पुटेशन होनी चाहिए फौरन। चलें जी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, गैस गैंग्रीन कौन सा बैक्टीरिया करता है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। अच्छा जी, थोड़ा सा इसके बारे में, ट्रीटमेंट फॉर सपोर्टिव, अच्छा जी मायोसाइटिस करता है, मायोनेक्रोसिस करता है, मसल्स की को डिस्ट्रॉय करता है बुरी तरह, इसलिए एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट चाहिए। डिब्राइडमेंट क्या क्या है? सर्जिकल सफाई, सर्जिकल क्लीनिंग ऑफ द वुंड, सारा डेड टिश्यू निकाल दें अंडर एनेस्थीसिया, एंटीबायोटिक्स दें ताकि सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दें डिटॉक्सिफाई करने के लिए पेशेंट को, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किस तरह से की जाए कि सर्जिकल डिब्राइडमेंट की जाए, प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दी जाए। अच्छा, फूड को प्रॉपरली पकाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए केटरिंग सर्विसेज आप जहाँ से लेते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका किचन वगैरह देख लें, अगर मिसहैंडल तो नहीं हो रहा फूड गंदे हाथों से, या कोई हैंड वॉशिंग का वहाँ सिस्टम ही नहीं है, तो चेन ऑफ इवेंट्स किस तरह के चल रहे हैं, ठीक है। और लेकिन कौन देखता है केटरिंग करवाते हुए कि आपके किचन के लोग फोन पे ऑर्डर देते हैं, खाना घर आ जाता है, खा के सारे बीमार हो जाते हैं, चलो की बात खत्म। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग में से एक है ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। अब आखिर में हम टेटनस की बीमारी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो कि होती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से। ये भी इलोंगेटेड, ये सारा बैक्टीरियम और ये इसका स्पोर है, ये भी स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ये मट्टी में पाया जाता है, एनिमल के जी आई टी में पाया जाता है, ठीक है। तो टेटेनोस्पाज्मीन एंड टेटेनोलाइसिन टॉक्सिन्स हैं जो कि टेटनस में जो है वो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को हिट करती हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स जो हैं वो बॉडी में दाखिल होंगी इन्फेक्टेड वूंड से, ठीक है, किसी जंगालूद कील से चोट लगी है, कोई भी बड़ा, कोई भी कैसा भी वूंड है बड़ा जिससे ब्लीडिंग हुई है, एब्रेजन है बड़ी, तो सॉयल या कोई इन्फेक्टेड मटेरियल जो है वो टेटनस स्पोर उसमें ट्रांसफ़र कर सकता है और टेटनस का शिकार हो सकता है मरीज, जिसका कि कोई ख़ास इलाज नहीं है, प्रिवेंशन ही है कि आप टेटनस टॉक्सिन टाइम पे ले लें एज सून एज पॉसिबल, इंजेक्शन टेटावैक्स लगवा लें आईएम चोट लगने के बाद। अच्छा जी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कंटेमिनेटेड वूंड, वूंड कंटेमिनेशन हो गई टेटनस का रिस्क है। इसके थोड़े से रिस्क फैक्टर्स पढ़, मतलब क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। लॉक जॉ होता है इसमें, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, स्पैजम सारे के सारे मसल्स का होता है, ठीक है जी। और इसमें होता है ओपिस्थोटोनस और जो है रीसस सार्डोनिकस, ये दोनों चीज़ें आगे फिगर में हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है, मेट्रोनिडाजोल फ्लैजल देनी है, और डायजीपाम किस लिए देनी है? फिट्स को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट नहीं करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसकी ये सारी हैं, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को आएंगे, किस तरह से हमें पेशेंट, और इसमें सेंसोरियम पेशेंट होशो हवास इसके बिल्कुल कायम है बेचारों के, कितनी मिजरी है। तो टेटनस जो है वो ज़रूर टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन ले लें अगर कोई ऐसा वूंड आपको है तो। अच्छा जी, ये क्या है? ये है रीसस सार्डोनिकस, फिक्स स्माइल और हेड के ऊपर जो है वो एलिवेटेड आईब्रोज, फिक्स स्माइल, ठीक है, लॉक जॉ, ये है रीसस सार्डोनिकस, कोई बंदर से रिलेटेड ये नाम है। अच्छा, और ये है ओपिस्थोटोनस, आर्क शेप बॉडी, ओपिस्थोटोनस, ओपिस्थोटोनस जब आपका मुश्किल वाइवा, आप ओपिस्थोटोनस पोजिशन में हैं At present, all of you are in opisthotonus position. जब मेरा भी exam होता है तो मैं opisthotonus में चली जाती हूँ, ठीक है ना? हैं? मैम, ये patient की position ऐसी ही है या मतलब इसको वैसे ही ऊपर किया है? आपको लगता है वो break dance कर रहा है? मैम क्या मतलब? Muscle spasm है ना? Muscle spasm है बेटा। ये muscle सारे spasm में चले गए हैं। He cannot move. तो मैम ये bed हो जाएगा ना ये तो? हाँ जी? नहीं क्यों bed? हाँ, ट्रीटमेंट तो नहीं है, देर इज अ हाई रिस्क, देर इज अ हाई रिस्क, लेकिन मसल रिलैक्सेंट, डायजीपाम वगैरह ये वो देंगे तो इफेक्ट होगा है आगे। मैम ये जो फिक्स स्माइल वाला है, ये फिर ये मतलब मतलब खा कैसे सकता है? ये तो फिर फ्लूइड इनटेक होगा ना खाली? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसीलिए टेटनस के पेशेंट को ना अंधेरे कमरे में पहले रखते थे, और अब अंधेरा कमरा तो सरकारी अस्पतालों में तो है ही नहीं, कहाँ से लाएं, वो इतना सारे वो ओवर क्राउडेड है। तो
तो उसको उसके इर्द गिर्द स्क्रीन और पर्दे लगा लगा के रखते हैं। इस पेशेंट को अगर जरा सा लाइट, ये तो पता नहीं कौन से रोशन कमरे में पड़ा हुआ है, जरा सी लाइट, जरा सा नॉइज, तो इसको फिट पड़ जाता है। इतनी जो है ना न्यूरोटॉक्सिन्स होती है ना, ये जो हमने पढ़ी है ना वेरियस टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय द क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होती है ना वो न्यूरोटॉक्सिन है, वो जाके नर्व डैमेज करती है और नर्व को हिट करती है, तो न्यूरोटॉक्सिन्स है एंड दैट विल अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम ही तो कंट्रोल कर रहा है सारे मसल्स को, तो मसल्स विल गो इन टू सिवियर स्पैज, वो रिलैक्स ही नहीं होंगे और बार बार फिट पड़ेंगे पेशेंट को। लास्ट है जी क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, जो कि एक ऐसा क्लोस्ट्रीडियम की टाइप है, उसी तरह है एनरोब है, स्पोर फॉर्मिंग है और ग्रैम पॉजिटिव जो है वो रॉड है, ये सब कुछ है। ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करता है, उसमें क्या होता है इंट्रैक्टेबल लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया, सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, ये कॉलन के एपिथेलियल सेल्स ये हेल्दी है, इन पे ये आया और इसमें ये सूडो मेम्ब्रेन बना दी एक्सुडेट्स बना बना के, और ये कॉलोनिक एपिथेलियल और कॉलोनिक म्यूकोजा का ये हशर किया, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया एंड लाइफ थ्रेटनिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉलोनिक वॉल, यहाँ तक कि ये सीकम में परफोरेशन भी कर सकता है। तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है ये भी स्पोर फॉर्मिंग है और टॉक्सिन्स बनाता है, और ये टॉक्सिन्स जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकती हैं, दैट इज कॉल्ड सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, तो आप कहेंगे कि ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से होने वाली डिजीज है, जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया हो सकता है और सीकल परफोरेशन हो सकती है, एंड इट इज कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल विच इज अ ग्रैम पॉजिटिव रॉड स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ नहीं आया, मैं ये लेक्चर आपको कल दोबारा पढ़ाने को तैयार हूँ, बताएं। नो मैम, आ गया समझ। तो अब जो है ये जो क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस रह गया, इसका क्या करें? मैम वो जो सुबह वाले लेक्चर का हाफ रहता था जी, मैम पढ़ा दें, खत्म करें। क्या बात है, बात तो सच है मगर बात है। मैम मैंने एक बात पूछनी है। मैम मिस आप एचओडी है ना, तो मैम आप खुद देखिए अभी तक डेट शीट भी नहीं आई है, और मैम हमारे एक दिन में 3-3 वाइवाज हैं, और जो है वो क्लैश भी रिमूव नहीं हो सकता, हमें समझ भी नहीं लग रही किसकी तैयारी करें किसकी नहीं, और जो क्लैश रिमूव करने के लिए भी टीचर्स जो है वो प्रूफ मांगते हैं, तो हम क्या दिखाएं उनको, और डेट शीट भी नहीं आ रही है, और कोई टीचर जो है वो क्लियरली भी नहीं बता रहे। हाँ मैं ना मुकद्दस और माहीन से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से पूछ के ना मैं आपको अभी ईमेल करती हूँ कि अब तक क्यों नहीं डेट शीट मिली आपको। ठीक है जी मिस, आप प्लीज देखिएगा, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल इसको देखती हूँ, बहुत बड़ी। अच्छा ये क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस बेटा खुद ही पढ़ लो, सारा बचपन से तो पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। आहो ओके मैम, ये थोड़ी सी यस हम पढ़ लेंगे। ओके मैम शाबाश, चलो दोबारा पढ़ते हैं। ये स्लाइड है, ये क्या है मैम? ये तो लास्ट स्लाइड थी, ये क्या थी? कौन सी लास्ट स्लाइड मैम? सेकंड लास्ट स्लाइड ये नहीं, इसके ऊपर ये अच्छा। क्या है ये मैम? 59 वाली स्लाइड थी, 59 मैम, नहीं नहीं मैम 61 और 62 है, ऊपर है 61 मैम, ऊपर है अभी ये मैम। ये क्या है? Cobblestone appearance in Crohn's disease. Cobblestone appearance in Crohn's disease. Okay. इसमें ना अल्सर्स बनते हैं जो आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और enlarged किस्म के ना granulomatous lesions बन जाते हैं। ये intestine को अंदर से कैमरे की मदद से दिखाया हुआ है। ठीक है, जैसे endoscopy पे हमें stomach की inside नजर आती है, bronchoscopy पे हमें bronchi अंदर से नजर आते हैं, इसी तरह हमें colonoscopy पे और एंटेरोस्कोपी पे कोलोनोस्कोपी पे ये इंटेस्टीन और ये नजर आते हैं अंदर से। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टाइप की फोटोग्राफी उसकी जो है वो इनर पोर्शन ऑफ इंटेस्टीन है, कॉबलस्टोन अपीयरेंस ऑफ क्रॉन्स डिजीज। ओके मैम, मैम ये नीचे वाली स्लाइड का भी बता दें, जो नीचे है 60 स्लाइड नंबर 60 मैम। हम जाएं बेटा, जाएं आप। थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ तो सही, कल दोबारा ये लेक्चर पढ़ना है कि नहीं? तुम लोग कह रहे थे बहुत मुश्किल है। यस मैम पढ़ा दें एक दफा। पढ़ा दीजिएगा।
जिसने ज्वाइन करना हुआ कर लेना, जिसने नहीं करना वो ना करे, टाइम बता देना मुझे। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। डेट शीट आप हमें कब तक भेजेंगी? मैं अभी पता करती हूँ, डेट शीट की अभी पता करती हूँ। मैम कल की क्लास में अटेंडेंस ना लगती? नहीं बहन, आज तक मैंने आपको अटेंडेंस पे काम किया, बस आप पढ़ा करो। ओके मैम, आपके सब्जेक्ट होते हैं बेटा, अच्छा अच्छा पढ़ा करो, अच्छा अच्छा स्कोर किया करो। ऑनलाइन में क्या अटेंडेंस, ये मुश्किल बहुत है ना, पढ़ने में बड़ा मसला होता है। हाँ जी हाँ जी, कौन है, किसका मसला है? उसामा रफीक, क्या मसला बेटा आपका? मैम ये जो लेक्चर है ना आज का, ये बड़ा मुश्किल है वैसे। हाँ बेटा, मैं आपको इसीलिए ऑफर कर रही हूँ कि कल मैं ये दोबारा पढ़ा देती हूँ। इंशाल्लाह मैम कल दोबारा पढ़ेंगे आपसे ये वाला लेक्चर सारा। इंशाल्लाह आप लोग मुझे टाइम ईमेल कर दीजिएगा, आई विल टेक दिस लेक्चर अगेन। नहीं मैम, जब आप फ्री हो तब बता दें, हम आ जाएंगे क्लास में। मैम आप इसी टाइम पर आ दीजिएगा, शाम को पढ़ा देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।